पावर, सॉरी, सेक्शन 143(11) पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप बदलते जमाने के साथ ऑर्डर इशू कर सकते हो. किसके ऊपर? ऑडिटर पे, कि ऑडिटर यू आर सपोज टू डू एडिशनल रिपोर्टिंग इन विथ योर ऑडिट रिपोर्ट. 143(11) पावर देता है किसको साहब? सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि वो क्या इशू कर सकते हैं? ऑर्डर इशू कर सकते हैं. किस पे? ऑडिटर्स पे, कि अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाते वक्त ये कुछ एडिशनल बातें आपको लिखनी पड़ेगी. ठीक है, यही पावर को यूज करके उन्होंने कारो इशू किया है, कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर. कंपनी के ऑडिटर, जब कंपनी के ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बनाता है तो उसको ये ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है. तो बेसिकली उसका ओरिजिन हुआ है एज पर पावर गिवन इन सेक्शन 143(11). ये इशू करते वक्त आपको कंसल्ट करना पड़ेगा किसको साहब? NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी. ठीक है, NFRA से आपको कंसल्ट करना पड़ेगा. नाउ स्ट्रक्चर की बात करूँ तो कुछ खास नहीं, आपके चार पैराग्राफ है. ठीक है, उसमें दो ही पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बहुत ज़्यादा, एप्लीकेबिलिटी, किसको एप्लीकेबल है, और तीसरा कारो ऑर्डर के हिसाब से जो रिपोर्ट बनती है उसमें कौन सी बातें लिखना. 16 क्लॉजेस, 16 क्लॉजेस उसमें लिखने पड़ते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स सी. सबसे पहला बैकग्राउंड देख लिया हम लोगों ने थोड़ा, एप्लीकेबिलिटी. कारो किसको एप्लीकेबल है? कारो ऑर्डर इज एप्लीकेबल टू ऑडिटर्स ऑफ ऑल द कंपनीज, सभी कंपनीज के ऑडिटर्स को एप्लीकेबल है, एक एक करके, इंक्लूडिंग विच कंपनीज? फॉरेन कंपनीज. ठीक है, फॉरेन कंपनी के जो ऑडिटर्स हैं उनको भी लगा. सो कारो इज एप्लीकेबल टू ऑल द ऑडिटर्स, इज एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज. नाउ एक एक करके उन्होंने एग्जेम्पशंस दिए, बहुत ही आसान से, बहुत ही सिंपल से एग्जेम्पशंस दिए, लेट्स सी. ठीक है, वहाँ पे हमने एक शॉर्टकट भी रखा है, किसको एग्जेम्पशन है? आईबी कॉप्स, इंटेलिजेंस ब्यूरो के कॉप्स को क्या है साहब? एग्जेम्पशन. आई फॉर इंश्योरेंस कंपनी के ऑडिटर्स, बी फॉर बैंकिंग कंपनीज के ऑडिटर्स, सी फॉर चैरिटी पर्पस कंपनी के ऑडिटर्स, दैट इज सेक्शन 8, ओ स्टैंड फॉर वन पर्सन कंपनी के ऑडिटर, पी स्टैंड फॉर प्राइवेट कंपनीज प्रोवाइडेड सर्टन कंडीशंस आर फुलफिल्ड, हम देखेंगे, एस स्टैंड फॉर स्मॉल कंपनी के ऑडिटर्स. क्विकली, आई फॉर इंश्योरेंस, बी फॉर बैंकिंग, सी फॉर चैरिटी पर्पस, ओ फॉर वन पर्सन कंपनी, पी फॉर प्राइवेट कंपनी, एस फॉर स्मॉल कंपनी. नाउ लेट्स सी, सबसे इंटरेस्टिंग है प्राइवेट कंपनी के ऑडिटर को एग्जेम्पशन कब मिलेगा. प्राइवेट कंपनी के ऑडिटर को एग्जेम्पशन मिलेगा, ठीक है, अगर चार कंडीशन फुलफिल होती है तो. इफ 4 कंडीशन आर फुलफिल्ड, नंबर 1, प्राइवेट कंपनी के ऊपर होल्डिंग में और उसके नीचे सब्सिडरी में पब्लिक कंपनी नहीं होनी चाहिए, होल्डिंग में भी और सब्सिडरी में भी पब्लिक कंपनी नहीं होनी चाहिए, पहली कंडीशन. दूसरा, पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व शुड नॉट एक्सीड 1 करोड़ एज ऑन बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट डेट पे. ठीक है, उसके बाद में बोरोइंग्स बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शुड नॉट एक्सीड अगेन 1 करोड़ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर. पेड अप कैपिटल रिजर्व देखना है एज ऑन बैलेंस शीट डेट, बोरोइंग देखना है ड्यूरिंग द ईयर कभी भी. बोरोइंग में और भी स्ट्रिक्ट है वो लोग, बोरोइंग में और भी स्ट्रिक्ट है. पेड अप कैपिटल रिजर्व जो बोलते हैं ठीक है एक बार चेक कर लो, लेकिन बोरोइंग ड्यूरिंग द ईयर. और लास्ट कंडीशन, टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी शुड नॉट एक्सीड 10 करोड़. बहुत आसान सा है, प्राइवेट कंपनी के ऑडिटर्स को एग्जेम्पशन देने के लिए तैयार है प्रोवाइडेड दैट कंपनी इज स्मॉल, हर एंगल से छोटी हो. इसलिए उसके ऊपर उसके नीचे कौन नहीं होना चाहिए? पब्लिक कंपनी नहीं होना चाहिए. उसका पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व शुड नॉट एक्सीड 1 करोड़ एज ऑन बैलेंस शीट डेट. उसका बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शुड नॉट एक्सीड 1 करोड़ एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर. एंड देन लास्ट में, देयर टोटल रेवेन्यू फॉर द ईयर शुड नॉट एक्सीड 10 करोड़. ये ऊपर और नीचे पब्लिक कंपनी होनी चाहिए, ये भी एज ऑन बैलेंस शीट डेट है. इस पे हम लोग केसेस देखेंगे. नाउ स्मॉल कंपनी को एग्जेम्पशन है तो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन भी देख लेते, लेट्स सी डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनी. ठीक है, स्मॉल कंपनी मतलब ऐसी कंपनी, लेट्स कंपेयर विद दी ऊपर के डेफिनेशन, कंपेयर करते हैं. ऊपर बोला था ऊपर नीचे, होल्डिंग कंपनी पब्लिक कंपनी नहीं होनी चाहिए. यहां पे बोला है ऊपर नीचे होल्डिंग सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए. तुम्हारी होल्डिंग है तुम कहां से स्मॉल, तुम्हारी सब्सिडरी तुम कहां से स्मॉल. होल्डिंग और सब्सिडरी ही नहीं होना चाहिए. इट शुड नॉट बी अ सेक्शन 8 कंपनी. सेक्शन 8 का मजा ले रहे हो तो स्मॉल कंपनी का मजा तुम नहीं ले सकते.
इट शुड नॉट बी गवर्न बाय स्पेशल एक्ट. स्पेशल एक्ट से गवर्न करे तुम कहाँ से स्मॉल. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट. ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात लिखी हुई है. ऊपर नीचे होल्डिंग सब्सिडरी नहीं चाहिए. शुड नॉट बी अ सेक्शन 8 कंपनी. शुड नॉट बी गवर्न बाय स्पेशल एक्ट. यहां पर भी है पेडअप कैपिटल शुड नॉट एक्सीड 50 लाख. ऊपर क्या था पेडअप कैपिटल एंड रिजर्व शुड नॉट एक्सीड 1 करोड़. ठीक है, देन अगर अगर गवर्नमेंट चाहे तो 50 लाख की लिमिट को बढ़ा करके 10 करोड़ कर सकता है. किया नहीं है. अगर चाहे तो आज के लिए लिमिट 50 लाख ही है. इफ दे वांट दे कैन डू इट. ठीक है, तो दोनों में कंपेयर करो. ऊपर था पेडअप कैपिटल प्लस रिजर्व, यहां पे सिर्फ क्या है पेडअप कैपिटल. फिर ऊपर था बोरिंग का पॉइंट, यहां पे बोरिंग का पॉइंट नहीं है. देयर इज नो बोरिंग पॉइंट हियर. उसके बाद ऊपर था टोटल रेवेन्यू शुड नॉट एक्सीड 10 करोड़. यहां पे है टोटल टर्नओवर ऑफ लास्ट ईयर. एक तो रेवेन्यू से वर्ड क्या आ गया टर्नओवर. एक बहुत बड़ा फर्क होता है दोनों में. टोटल रेवेन्यू इंक्लूड्स अदर इनकम. टोटल रेवेन्यू इज सिंपली गुड्स एंड सर्विसेज. ये बहुत बड़ा फर्क है दोनों में. 2 करोड़ वो भी लास्ट ईयर. वो भी हम बात कर रहे हैं लास्ट ईयर की. तो अगर लास्ट ईयर के टर्नओवर की बात करें समझ जाना दे आर थिंकिंग अबाउट स्मॉल कंपनी. वो स्मॉल कंपनी के बारे में सोच रहे हैं. ये भी अगर वो चाहे तो उसको बढ़ा सकते हैं कितने तक 100 करोड़ तक. दे कैन इंक्रीज इट टू 100 करोड़. लेकिन ये लिमिट 2 करोड़ का 100 करोड़ कर सकते हैं लेकिन किया नहीं है. लेट्स फ्रीज गाइस. दोनों कंपेयर करो. प्राइवेट कंपनी में क्या था ऊपर नीचे. पब्लिक कंपनी में चाहिए. यहाँ पे ऊपर नीचे होल्डिंग सब्सिडी नहीं, सेक्शन 8 नहीं, स्पेशल एक्ट नहीं. वहां पे था पेडअप कैपिटल एंड रिजर्व शुड नॉट एक्सीड 1 करोड़. यहाँ पे सिर्फ पेडअप कैपिटल 50 लाख. वहां पे बोरिंग का क्लॉज था, यहाँ नहीं है. वहां पे टोटल रेवेन्यू है 10 करोड़ का. यहाँ पे टोटल टर्नओवर है कितना 2 करोड़ का. लिमिट्स को बढ़ा सकते 10 और 100 में लेकिन अभी तक ऐसा किया नहीं है. ओके, नाउ स्मॉल कंपनी इज ऑल्सो अदर देन पब्लिक कंपनी. मतलब इट इज ऑल्सो प्राइवेट कंपनी. मतलब प्राइवेट कंपनी के अल्टीमेट आपके पास में 2 क्लॉजेस है. प्राइवेट कंपनी का भी सेपरेट क्लॉज है और स्मॉल कंपनी का. दोनों में से एक में भी कवर हो गया तो एग्जेम्पशन मिल जाएगा. दोनों में आपको कवर होने की जरूरत नहीं है. आइदर गेट कवर्ड इन टू क्लॉज ऑफ प्राइवेट कंपनी और गेट कवर्ड इन क्लॉज ऑफ स्मॉल कंपनी. लेट्स सी जो इंपॉर्टेंट केस देखते जाएंगे. वी नो कि आज के डेट में दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं तो ऑडिट रिपोर्ट भी कितनी होगी दो. क्या दोनों को कारो लगेगा. आंसर इज नो. स्टैंड अलोन को लगेगा, स्टैंड अलोन की ऑडिट रिपोर्ट कारो लगेगा. कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट रिपोर्ट कारो लगने वाला नहीं है. उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया उसको. उनका कहना है कारो को एक कंपनी को ध्यान में रख के बनाया है. कारो रिपोर्ट इज ड्राफ्टेड कीपिंग इन माइंड अ इंडिविजुअल कंपनी, नॉट कीपिंग इन माइंड अ ग्रुप. इट इज पॉइंट क्लियर. तो सिर्फ स्टैंड अलोन को लगेगा, ग्रुप को लगने वाला नहीं है. क्योंकि स्टैंड अलोन को लगेगा तो ऑटोमेटिकली ब्रांच को भी लग जाएगा. समझ रहे क्या. क्योंकि ब्रांच की रिपोर्ट्स को पढ़ के तो कंपनी की रिपोर्ट बनेगी. कोऑपरेटिव बैंक को एग्जेम्पशन मिलेगा. यस नो, एप्लीकेबल ही नहीं होता. कोऑपरेटिव बैंक के कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट लगता है, कारो लगता ही नहीं. कारो इज नॉट एप्लीकेबल. समझ रहे सब. कोऑपरेटिव बैंक को कारो तो लगने ही वाला नहीं है. ठीक है, फॉरेन बैंक को एग्जेम्पशन है. यस, जितने भी लोग बैंक के डेफिनेशन में कवर होते हैं एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सबको एग्जेम्पशन है. वो भी आता है. एनबीएफसी को एग्जेम्पशन है. नो, किसको एग्जेम्पशन है. बैंक. फिर ऐसा गेम खेल. एनबीएफसी थी बैंक में कन्वर्ट हो गई, बैंक थी एनबीएफसी में कन्वर्ट हो गई, क्या होगा. स्टेटस देखो एज ऑन 31 मार्च. 31 मार्च का स्टेटस देखो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा. देख वो उस पर डिपेंड करेगा एग्जेम्पशन. ये देखो ये केस पे आओ. प्राइवेट अनलिमिटेड कंपनी. प्राइवेट अनलिमिटेड कंपनी है. ऊपर नीचे कोई पब्लिक कंपनी नहीं ऐसा लिखा है. पेड अप कैपिटल इज नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़ ऐसा लिखा है. आउटस्टैंडिंग लोन इज नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़ ऐसा लिखा है. टोटल टर्नओवर रेवेन्यू बोलना चाहिए था बेटर. टोटल रेवेन्यू इज नॉट एक्सीडिंग 10 करोड़ ऐसा लिखा है. चारों कंडीशन फुलफिल्ड है. विल दे गेट एग्जेम्पशन.
यस नो, यस नो। ओके लिसन, पूरा गेम है, अनलिमिटेड कंपनी लिखा हुआ है। आप जानते हैं कि प्राइवेट कंपनी दो तरह की हो सकती है, लिमिटेड एंड अनलिमिटेड, करेक्ट? तो एग्जेम्पशन किसको देना, किसको एग्जेम्पशन देना, लिमिटेड कंपनी को देना, अनलिमिटेड को देना, दोनों को देना, दोनों को नहीं देना? अभी सुनो, पहले कारो 2003 था, कारो 2003 था, कारो 2003 को इंप्लीमेंट करने के लिए इंस्टीट्यूट ने इशू किया था स्टेटमेंट ऑन कारो 2003। तब उन्होंने बोला प्राइवेट कंपनी मींस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ठीक है? वहां पे उन्होंने बोला प्राइवेट कंपनी मींस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ऐसा उन्होंने बोल दिया, ऐसा उनका इंटरप्रिटेशन था, ऐसा उन्होंने कहा था साहब इंटरप्रिटेशन, ठीक है? लेकिन फिर गाइडेंस नोट आया, गाइडेंस नोट आया, वहां पर आप यहां पे प्राइवेट वर्ड कर दो, गाइडेंस नोट ने बोला प्राइवेट कंपनी मींस प्राइवेट कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट एंड इंक्लूड्स बोथ लिमिटेड एंड अनलिमिटेड, तो दोनों को एग्जेम्पशन मिलेगा, बोथ ऑफ देम विल गेट द एग्जेम्पशन, लिमिटेड को भी एग्जेम्पशन मिलेगा और अनलिमिटेड को भी एग्जेम्पशन मिलेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? ये बात समझिए आपको, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले सिर्फ लिमिटेड को एग्जेम्पशन मिलता था, अब दोनों को मिलेगा, ठीक है? कोई कुछ ऑथर्स है उन्होंने ऐसा नहीं किया है, पुराना कंटिन्यू किया है, तो मेरे पास स्क्रीनशॉट्स वगैरह है दोनों के, क्योंकि बच्चे पूछते प्रूफ का है, बराबर? लेकिन इट इज ऑल वेरीफाइड कि दोनों को एग्जेम्पशन मिलेगा एज पर गाइडेंस नोट, रिसेंट गाइडेंस नोट। इसके ऊपर आइए, पेड अप कैपिटल और रिजर्व्स का कैलकुलेशन कैसे होगा, उस पे केस है। इक्विटी शेयर कैपिटल लेंगे क्या, प्रेफरेंशियल कैपिटल, जनरल रिजर्व्स, पीएनएल का डेबिट बैलेंस माइनस करेंगे कि सिर्फ टू द एक्सटेंट ऑफ फ्री रिजर्व्स माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो पूरा करेंगे कि सिर्फ लिमिटेड माइनस करेंगे, पूरा। पहले ऐसा होता था जितना सिर्फ रिजर्व है उतना माइनस होता, बाकी एसेट साइड में बताते थे जब टी फॉर्मेट था, जब क्या फॉर्मेट था, टी फॉर्मेट, अब पूरा माइनस करते वर्टिकल में, तो गाइडेंस नोट ने बोला पूरा माइनस होगा कंप्लीट, फ्री रिजर्व हो या ना हो। सिक्योरिटीज प्रीमियम लेंगे क्या, यस नो, यस, क्योंकि हमको सारे रिजर्व देना है, रिस्ट्रिक्टेड अनरिस्ट्रिक्टेड फॉर कैपिटल रिजर्व, शेयर एप्लीकेशन, ना ये कैपिटल है ना ये रिजर्व है, इट्स अ लाइबिलिटी। शेयर फॉरफिटर लेंगे क्या, यस नो, यस, शेयर, शेयर फॉरफिचर कैपिटल में ऐड करके बताते, कैपिटल में एक चीज प्लस होती है वो है शेयर फॉरफिचर और एक चीज माइनस होती है इट इज कॉल्स इन अरियर्स, तो उसको भी लेंगे, कैपिटल का ही पार्ट मानते हैं उसको, क्योंकि वो कैपिटल ही बनने वाला है अल्टीमेटली, कैपिटल को कैंसिल करके बनता है वो। फिर रिवैल्यूएशन रिजर्व लेंगे, यस, ऑल द रिजर्व, रिस्ट्रिक्टेड अनरिस्ट्रिक्टेड रियलाइज अनरियलाइज सब आएगा, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, यस, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, यस, ये भी रिजर्व्स एंड सरप्लस में ही जाता है, इस ऑप के समय बनता है ये, करेक्ट? और अगर मैं बात करूं तो कॉल्स इन अरियर्स, ठीक है, ये माइनस करेंगे, कॉल्स इन एडवांस लाइबिलिटी है, नहीं लेंगे उसको। अगर प्रीलिमिनरी एक्सपेंस होता तो क्या करते उसको, प्रीमरी एक्सपेंस को माइनस करते क्या, यस नो, हम लोग नेट एसेट्स नहीं निकाल रहे हैं, कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, हम लोग सिर्फ क्या कंप्यूट कर रहे हैं, पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व्स, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? नेट एसेट निकालने के दो तरीके होते हैं ना, एसेट साइड अप्रोच एंड लाइबिलिटी साइड अप्रोच, एसेट्स प्लस एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, या फिर कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, वो नहीं कर रहे हैं। लोग एकदम ललचाते, हाँ पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस प्रीमरी एक्सपेंस, अरे किधर, बस समझिए सब। मैं सोचा था ये केस लू कि नहीं लू,
ठीक ही ले लेते, ध्यान देंगे। लिसन, इंडिया में एक प्राइवेट कंपनी है, इंडिया में क्या है, प्राइवेट कंपनी, अगर उसकी होल्डिंग कंपनी इंडिया में ही है, उसकी होल्डिंग कंपनी इंडिया में ही है, इट्स अ पब्लिक कंपनी, इट इज अ पब्लिक कंपनी, करेक्ट। तो आपको पता है कि होल्डिंग कंपनी पब्लिक है तो किसका नेचर बदल जाएगा, प्राइवेट का नेचर बदल जाएगा, यस नो, इट विल ऑल्सो बिकम अ पब्लिक कंपनी एंड इट विल नॉट गेट एग्जेम्पशन, इट विल नॉट गेट एग्जेम्पशन। बट वॉट इफ होल्डिंग कंपनी इज सिटिंग इन यूएस, इट इज सिटिंग इन यूएस एंड इज अ पब्लिक कंपनी एज पर यूएस लॉज, एज पर यूएस लॉज क्या होगा, सुनो अब ध्यान दो, बहुत आसान है। इफ कंपनी सिटिंग इन यूएस इट इज अ फॉरेन कंपनी, डू यू अग्री, यस नो, फॉरेन कंपनी मीन्स रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, यस नो, रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया मतलब इट इज नॉट कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट, इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, डू यू अग्री विथ मी। तो फॉरेन कंपनी के नाम में कंपनी है सिर्फ, एज पर कंपनीज एक्ट इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, ये बात समझिएगा सबको, बिकॉज इट इज रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया। अब अगर आप थोड़ा डेफिनेशन देखते हो कंपनीज एक्ट में, जब वो लोग होल्डिंग सब्सिडियरी डिफाइन कर रहे थे तो उन्होंने डेफिनेशन में बॉडी कॉर्पोरेट भी ले लिया, क्या ले लिया, बॉडी कॉर्पोरेट, इससे क्या हुआ, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट कैन गेट डेजिग्नेशन ऑफ होल्डिंग और, होल्डिंग और सब्सिडरी, एलएलपी इज ऑल्सो बॉडी कॉर्पोरेट, इट कैन गेट डेजिग्नेशन ऑफ होल्डिंग और सब्सिडरी, समझ में क्या बोल रहा हूँ। लेकिन जब वो पब्लिक प्राइवेट डिफाइन कर रहे थे तो उन्होंने बॉडी कॉर्पोरेट को नहीं लिया, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट को डेजिग्नेशन नहीं मिलता पब्लिक या प्राइवेट का, समझ रहे आप। जो फॉरेन में कोई कंपनी है तो मैं उसको इंडियन लॉ के हिसाब से क्या नहीं बोल सकता, पब्लिक और प्राइवेट, समझ रहे, एमसीए ने और क्लैरिफाई किया, ठीक है, फॉरेन कंपनी का फॉरेन में कोई भी स्टेटस हो, पब्लिक हो या प्राइवेट है, इंडिया में सब कोई स्टेटस नहीं है एंड इट कैन नॉट चेंज स्टेटस ऑफ प्राइवेट कंपनीज इन इंडिया, समझ रहे आप, समझ रहे क्या, इससे क्या होगा, मतलब प्राइवेट कंपनी, सच प्राइवेट कंपनी विल कंटिन्यू टू गेट एग्जेम्पशन। अब मैं फ्रीज कर रहा हूँ, सुनो, कुछ लोग क्या क्या बोले जा रहा है, इसको समझ रहा क्या बोले इसको भी खुद को भी समझना चाहिए पहले ठीक है, लिसन, सुनो, अगर होल्डिंग कंपनी इंडिया में ही है, एक प्राइवेट लिमिटेड, ए प्राइवेट लिमिटेड है, देखा सबको, ए प्राइवेट लिमिटेड है, उसकी होल्डिंग कंपनी का है इंडिया में है, इट विल चेंज द स्टेटस, इट्स अ पब्लिक कंपनी, इंडिया में उसकी होल्डिंग कंपनी पब्लिक कंपनी, इट विल चेंज द स्टेटस, नो एग्जेम्पशन, कोई एग्जेम्पशन मिलने वाला नहीं है, लेकिन होल्डिंग कंपनी कहाँ पे, इंडिया के बाहर, तो उससे एमसीए ने क्लैरिफाई किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्राइवेट के स्टेटस पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर कोई फर्क नहीं पड़ेगा दे विल गेट एग्जेम्पशन। और ऐसा इसलिए दे वांट टू एनकरेज फॉरेन कंपनीज टू मेक इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया, टू मेक प्राइवेट कंपनीज इंडिया फाइन, इसलिए, तो वो भी वो एंगल से समझा आपको, होल्डिंग कंपनी का लोकेशन कहां पे वो भी, उस पर भी डिपेंड करता है क्या होगा, कर लिया ड्रॉ।
बना लिया ये? यस नो? जब हम बोरोइंग्स काउंट करते हैं तो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग काउंट करेंगे क्या? इंटरेस्ट दो तरह का होता है, इंटरेस्ट ओनली अक्रूड एंड इंटरेस्ट विच इज ड्यू, अक्रू होके ड्यू भी हो चुका। तो गाइडेंस नोट ने क्लैरिफाई किया है दोनों में से एक ही लेंगे, इंटरेस्ट ड्यू, जो अक्रू हुआ है सिर्फ अभी वो लेने वाले नहीं है। समझ रहे क्या बोला? गॉट द पॉइंट? तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या बना? इंटरेस्ट अक्रूड नो, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू यस, क्योंकि बोले जो इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है उसको पे नहीं करोगे तो उस पे भी क्या लगेगा आपको? इंटरेस्ट लगेगा, तो उसको लोन के अमाउंट में ले लेना। बैंक से दो तरह की फैसिलिटीज मिलती है, फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड। एक्चुअल पैसा मिलना उसको बोलते हैं फंड बेस्ड, लेकिन बैंक हमारे लिए गारंटी भी इशू करता है, एलसी भी इशू करता है, तो क्या काउंट करेंगे? दोनों काउंट करेंगे, सिर्फ फंड बेस्ड, सिर्फ फंड बेस्ड। जो हमको 1 करोड़ की काउंटिंग करनी है सिर्फ क्या आएगा साहब? फंड बेस्ड। सिर्फ गारंटी इशू की है, एलसी इशू की है, वो सब काउंट होने वाला नहीं है। देखो सिंपल सिंपल है, ध्यान देंगे। क्या पढ़ रहे हम लोग? कारो। पहले उसका क्या पढ़ा? बैकग्राउंड एंड ओरिजिन एंड बैकग्राउंड पढ़ा उसका। उसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं अभी हम लोग? एग्जेम्पशंस। क्या था शॉर्टकट? आईबी कॉप्स। पहले हमने जनरल केस देखा, ठीक है, फिर हम लोग बैंक के कुछ केसेस थे उस पे आए, इंश्योरेंस पे कोई खास केस नहीं था, बैंक के केसेस पे आए, ठीक है, चैरिटी पे भी कोई खास केस नहीं था, 1% पे भी कोई खास केस नहीं था, फिर किस पे? हम प्राइवेट प्राइवेट कंपनी के फिर कंडीशन पे एक एक केस हम लोग करते आ रहे हैं। उसमें पेडअप कैपिटल का केस हो गया, बोरिंग से भी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, डिस्कसिंग बोरोइंग्स, उसमें होल्डिंग सब्सिडरी होल्डिंग कहां की उसका एक केस हो गया, पेड अप कैपिटल का केस हो गया, अब बोरोइंग्स में भी हम देख रहे हैं। तो बोरोइंग्स में आप सबको पता है कि पार्ट ऑफ द बोरोइंग विच इज ड्यू विद इन 12 मंथ्स, विच इज ड्यू विद इन 12 मंथ्स, 12 महीने के पहले, उसको अलग से दिखा दे अदर करंट लाइबिलिटीज में, पढ़ा ना भाई एफआर में, करेक्ट? गाइडेंस नोट कारों में काउंटिंग में क्या करेंगे? पूरा लेंगे कि सिर्फ जो लॉन्ग टर्म पोर्शन है वो लेंगे? फुल, कोई फर्क नहीं पड़ता लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म से, पूरा का पूरा लेंगे, ये लिखा हुआ है, लॉन्ग टर्म भी लेते हैं और शॉर्ट टर्म लोन भी लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म से। प्राइवेट कंपनी है, मुकेश भाई से 80 लाख रुपए का लोन लिया, अजीज प्रेम जी से 10 लाख, 90 प्लस ICICI बैंक 95 प्लस 10, 105, एग्जेम्पशन मिलेगा? यस। तो सिर्फ किसका काउंट करना है? बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अगर इंडिविजुअल से बोरोइंग की है, इंडिविजुअल से बोरोइंग की है तो वो हम लोग काउंट करते नहीं है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्या एनबीएफसी का लोन काउंट होगा? यस, एनबीएफसी से लोन लिया तो वो काउंट होगा। इस पे आइए, चार करोड़ का सेल है पेट्रोल का, काउंट होगा क्या? टोटल रेवेन्यू में आएगा क्या? यस नो? टोटल रेवेन्यू में दो चीजें आती है, टर्नओवर प्लस अदर इनकम, 4 करोड़ आएगा। सेल ऑफ सर्विस आएगा क्या? यस। टोटल रेवेन्यू में दो, एक टोटल रेवेन्यू में पहला आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इट इंक्लूड्स बोथ सेल ऑफ गुड्स एंड सेल ऑफ सर्विसेज और अदर इनकम। सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे क्या? लेकिन कितना माइनस करेंगे? आधा करोड़ पिछले बार का सेल्स रिटर्न है, 1 करोड़ इस साल का, पूरा माइनस करेंगे, वो तो कंफ्यूज करने के लिए दिया था। सेल्स रिटर्न की एंट्री आप पूरी पास करते हो, कभी पूछते होगा पिछले साल की तो नहीं पास करूंगा, इस साल की तो करूंगा, पूरा कंप्लीट, पूरा का पूरा सेल्स रिटर्न माइनस होगा। टैक्स ऑडिट में भी ऐसा ही है, किस साल का रिटर्न उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिटर्न इज रिटर्न, रिडक्शन इज रिडक्शन, इफेक्ट लेना पड़ेगा। एक्साइज ड्यूटी इंक्लूडेड इन द सेल्स, मतलब ऊपर के अमाउंट में इंक्लूडेड, एक्साइज ड्यूटी को रहने देंगे कि निकाल देंगे, ठीक है? डिपेंड्स, डिपेंड्स कि मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या है, डिपेंड्स ऑन मेथड ऑफ अकाउंटिंग। दो मेथड ऑफ अकाउंटिंग होती है, पहला इंक्लूसिव, दूसरा एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव में एंट्री ये पास करते हैं, कैश बैंक अकाउंट डेबिट 118 टू सेल्स अकाउंट 118, महीने भर ये एंट्री पास करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो,
महीने के एंड में जागो, ठीक है, सेल्स में से आईटी का पोर्शन अलग करो, सेल्स डेबिट टू आईटी पेबल, महीने भर इंक्लूसिव एंट्री पास करते रहो, बाद में आईटी अलग करके पे कर दो, उसको बोलता कौन सा अप्रोच, इंक्लूसिव, एंट्री पास करते वक्त ही अलग कर डालो, उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव। कभी भी दोनों अप्रोच है, हमको अज्यूम करना पड़ेगा दोनों में से, कभी भी ये देखना प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता होगा, कोई बेवकूफ़ नहीं है, खुद का टर्नओवर खुद ज़्यादा करके बताएंगा जनरली, ठीक है, टैक्स लॉज में पीनल अलग है, कोई ज़्यादा करके बताने वाला नहीं है, तो सब लोग कौन सा मेथड फॉलो करते हैं, एक्सक्लूसिव, समझ रहे क्या सब, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, अगर एक्सक्लूसिव मेथड है तो हम उसको एक्सक्लूड कर देंगे, लेने वाले नहीं है। क्विकली वंस अगेन, अकाउंटिंग करने के तरीके दो, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव, ठीक है, इंक्लूसिव में हम आखिरी में अलग करते हैं, एक्सक्लूसिव में इमीजिएटली अलग करते हैं, इंक्लूसिव मेथड में इंक्लूड करना होता है, एक्सक्लूसिव मेथड में एक्सक्लूड करना पड़ता है, मेथड ऑफ अकाउंटिंग के बारे में प्रॉब्लम साइलेंट होता है, मेथड ऑफ अकाउंटिंग के बारे में प्रॉब्लम साइलेंट होता है, हम अज्यूम क्या करेंगे हमेशा, एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूड कर देंगे उसको, माइनस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लेंगे क्या, यस, अदर इनकम में आता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस होता तो यस माइनस करते, स्क्रैप सेल लेंगे क्या, यस, जीएसटी, अभी हम लोगों ने अज्यूम किया कौन सा मेथड, एक्सक्लूसिव मेथड, माइनस कर देंगे, बात समझिए सब, ओके, प्राइवेट कंपनीज अनसिक्योर्ड लोन ले सकते हैं क्या, लोन लेने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, देने में प्रॉब्लम है, जब मैं लोन काउंटिंग करेगा तो सिक्योर्ड हो अनसिक्योर्ड हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों, जब शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों, लेट्स फ्रीज, क्या पढ़ रहे सब, कारो, कारो क्या पढ़ रहे हैं, कारो, ठीक है, उसमें हमने क्या पढ़ा, ओरिजिन और बैकग्राउंड, फिर क्या पढ़ा हम लोगों ने, एग्जेम्पशन, क्या शॉर्टकट, आईबी कॉप्स, और कुछ खास हम लोगों ने केसेस देखे, जो केसेस देखे आप लोग भी उतना ही देखे, बहुत है, और उसमें एक बहुत ही पुराना बचपन का, लोन फ्रॉम ईच ऑफ द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 50 लाख, ऐसा ईच वर्ड याद रखना, ईच मतलब फिर 50, जितने लोग हैं 50 प्लस 50 होता है, वो बच्चे भूल जाते, सीधा अमाउंट ही देखते हैं, तो अगर ईच वर्ड आया तो कैलकुलेशन में बी केयरफुल, अब 16 क्लॉज है करेक्ट, उसके लिए शॉर्टकट, हम लोगों ने पढ़ा था प्रोफेशनल एथिक्स, चार कहते एक्टर एक्ट्रेस, चार गाड़ियाँ, चार सिटीज, दो मूवीज, तीन खाने पीने की चीज़ें, फिर उसके बाद हथकड़ी, शेम ऑन यू, फिर पांच क्या थे, क्रिकेटर्स, फिर पांच क्या थी, स्पोर्ट्स, उसके बाद चार टाइम पास, और उसके बाद में ठीक है ओवर अदर मिसकंडक्ट, वो 34 थे, अभी वापस 16, मैंने बोला दो जगह, दो जगह तीन जगह, सॉरी, प्रोफेशनल एथिक्स कारो, और फिर उसके बाद में टैक्स ऑडिट। नाउ बहुत सिंपल सा है वो भी, क्या अपने को 16 याद रखने, वो भी सीक्वेंस में याद रखने, नंबर के साथ, पहले 3 4 5 ऐसे याद होते, तकलीफ उसके बाद होती, तो एक मिनट, बहुत सिंपल सा, पहले 6 वेबसाइट्स है, तो सिचुएशन ऐसी है कि ठीक है, बंदा है बंदी, एज द केस में भी सीए पास हो गया करेक्ट, तो 6 वेबसाइट्स है, पहले आपको दिख रहा होगा वो, ठीक है, फ्लिपकार्ट का लोगो है, आपको सिर्फ वो इमेज रहना, किसका लोगो है, फ्लिपकार्ट, ठीक है, हम सीए बन गए, नाउ वी आर प्रोफेशनल, प्रोफेशनल एक्सेसरीज करेक्ट, फिर उसके बाद में आपको दिख रहा है इंडियन एयरलाइंस, अब उनका नाम आप एयर इंडिया वगैरह जान दो, ठीक है, आप सिर्फ इमेज ध्यान रखो, पहले किसका लोगो है साहब, फ्लिपकार्ट, फिर एयरक्राफ्ट है कहाँ का, इंडियन एयरलाइंस, फिर उसके बाद में बोले किससे अब कांटेक्ट करना पड़ेगा लोगों को फॉर अपॉर्चुनिटीज, तो किससे बात करेंगे, इसलिए कहाँ पे, लिंक्डइन, ईमेल सर्विस कौन सी यूज कर रहे हैं, लाइव डॉट कॉम, होती है ऐसी, ठीक है, ईमेल का लाइव डॉट कॉम, डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे रखे हुए हैं, ड्रॉप बॉक्स में, और फिर अब इंटरव्यू के लिए जा रहे, तो सीए में सब पढ़ा है, एक चीज़ नहीं पढ़ाई लेकिन करंट अफेयर्स करेक्ट, हमको अफेयर्स पता होते, करंट अफेयर्स नहीं पता होते, अनफॉर्चुनेट पार्ट, तो सीएनएन, लेट्स सी, 6 वेबसाइट है, पहले लोगो फ्लिपकार्ट, फिर इंडियन एयरलाइंस, फिर लिंक्डइन, फिर लाइव डॉट कॉम, फिर एक बॉक्स है ड्रॉप बॉक्स, उसके बाद सीएनएन, बस हो गए 6 वेबसाइट है आपके, 6 क्लॉज हो गए, फ्लिपकार्ट इज फॉर फिक्स एसेट्स, इंडियन एयरलाइंस इज फॉर इन्वेंट्री, लिंक्डइन इज फॉर लोन गिवन टू रिलेटेड पार्टीज,
Life.com is for loan given under section 185, 186, ठीक है, 185, 186। फिर उसके नीचे ड्रॉप बॉक्स इज फॉर डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड एंड CNN दैट इज फॉर कॉस्ट रिकॉर्ड्स। क्विकली, फ्लिपकार्ट फिक्स एसेट, इंडियन एयरलाइंस इन्वेंट्री, लिंक्डइन लोन टू थर्ड पार्टीज, ठीक है। उसके बाद आपका Life.com लोन अंडर 185, 186 बॉक्स दिख रहा है। ड्रॉप बॉक्स इज फॉर डिपॉजिट्स, CNN इज फॉर कॉस्ट रिकॉर्ड्स। और प्लीज, इमेज सिर्फ इंपॉर्टेंट है, नंबर अपने आप आ जाएगा। नंबर आप रिकॉल करेंगे, नंबर आप रिकॉल करेंगे तो नंबर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब इंटरव्यू देना शुरू किया तो लोगो दिए हुए, सबसे पहला लोगो दिख रहा है दैट इज SBI, फिर अगला लोगो है दैट इज LIC, फिर प्लेन लिखा हुआ दैट इज इन्फोसिस सिंपल, फिर उसके बाद में फिनोलेक्स केबल, फिर एक पॉइंट दिख रहा है दैट इज माइक्रोमैक्स, फिर 18 बोल्ड है दैट इज नेटवर्क 18, और 6 कंपनीज होगी। पहला लोगो SBI, फिर क्या लिखा है LIC, ठीक है। उसके बाद प्लेन में इन्फोसिस, फिर थोड़ा स्टाइलिश फिनोलेक्स केबल, करेक्ट, फिर पंच दैट इज माइक्रोमैक्स, फिर 18 दैट इज नेटवर्क 18। क्विकली, पहला SBI, फिर LIC, फिर इन्फोसिस, फिर फिनोलेक्स केबल, फिर माइक्रोमैक्स, फिर नेटवर्क 18, हो गए और 6 क्लॉज, ठीक है। SBI इज फॉर स्टैचुटरी ड्यूज, LIC इज फॉर लोन रीपेमेंट, उसके नीचे इन्फो इज फॉर IPO FPO का पैसा, IPO FPO टर्म लोन का पैसा, विल सी। फिर इन्फोसिस के बाद फिनोलेक्स, ठीक है, उसके बाद में फिनोलेक्स दैट इज फॉर फ्रॉड, उसके बाद माइक्रोमैक्स दैट इज फॉर मैनेजेरियल रेमुनरेशन, एंड नेटवर्क 18 दैट इज फॉर निधि कंपनीज, करेक्ट। बहुत इफेक्टिव साहब ये, और हमने डेवलप किया ये, आजकल इधर से उधर कॉपी का समझ में आता, डेवलप किसने किया था। नाउ लिसन, फिर खाने पीने की चीजें, तो वहां पे किशमिश दिख रही, तो उसको अंग्रेजी में बोलेंगे रेजिन, फिर बाद में पाइनएप्पल, फिर काजू बादाम दिख रहे हैं, नट्स, फिर गाजर, कैरेट। तो बहुत ही वाहियात है, क्या करेंगे, ठीक है। तो रेजिन्स दैट इज रिलेटेड पार्टीज, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस पे कमेंट करना पड़ता है। पाइनएप्पल प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट दोनों एक ही है, प्राइवेट प्लेसमेंट पे कमेंट करना पड़ता है। फिर उसके बाद में नट्स, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस, नॉन कैश ट्रांजैक्शन पे कमेंट करना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका कैरेट, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय NBFC लिया क्या, उस पे कमेंट करना पड़ता है। हाँ, अरे हाँ, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय RBI फॉर NBFC टू NBFC, तो ये हो गए आपके 16 क्लॉजेस। इससे हो जाता तो बात ही क्या थी, इसे क्या करूं, कम कर देना। बस थोड़ा ही टाइम बाकी है मानसिक संतुलन हमारा। हाउ फर्स्ट आर्टिकल डेंजरस पर्सन ऑन द अर्थ, पहले आर्टिकल सिर्फ CPT के बाद ही शुरू हो रही थी, तो फर्स्ट आर्टिकल ने एकदम कोहराम मचा दिया ऑफिसेज में, क्योंकि एकदम 12th में 12th के बाद CPT पास हुई सीधा ऑफिस पीयू ने डाटा उसको काट लिया अरे ऑल दिस हैव हैपेंड, पीयू उनको काट लिया बोले इसने तो इंस्टीट्यूट गॉट वरीड, बोले ये बहुत अनसेफ हो रहा है, बोले दे चेंज द। फिर उसके बाद में बॉस ने झापा तो अगले दिन मम्मी पापा पहुंच गए स्कूल में पहुंच गए, हमारे बच्चों को क्यों डांटा, बोले तो इंस्टीट्यूट ने लॉ चेंज, मतलब चेंज किया, बोले नहीं, CPT के बाद इट्स डेंजरस कोई मैच्योरिटी नहीं है बोले इनमें, ठीक है।
तो फर्स्ट ईयर आर्टिकल्स की कहानियां बता, तो ये भी था फिर, फर्स्ट ईयर आर्टिकल कैन बी वेरी डेंजरस पर्सन। तो बहुत ही झगड़ रहा था एक बार अकाउंटेंट से, भयंकर ही। तो अकाउंटेंट एकदम हाल बेहाल था, बोले कोई बचा लो मेरे को, बोले बोले क्या हुआ, बोले ये हम लोगों ने कैलकुलेटर खरीदा, बोले ये बोलते कैलकुलेटर गिव्स बेनिफिट मोर देन 1 ईयर, इट शुड बी कैपिटलाइज्ड। इट गिव्स बेनिफिट मोर देन 1 ईयर, इट शुड बी कैपिटलाइज्ड, ऑफिस इक्विपमेंट में डेबिट करो, बोले। अरे भगवान, ठीक है, तो बोले तुमने फ्रॉड किया ऑफिस एक्सपेंस में डेबिट करके। फर्स्ट ईयर आर्टिकल्स की कहानियां। और तो फिर आई रिमेम्बर प्राइस वाटरहाउस में थे अपन, तो वहाँ पे नए आर्टिकल ने ज्वाइन किया, मिठी भाई से एकदम स्पाइक्स, इधर गोटी। तो नहीं, अच्छा बंदा, अच्छा था। और अभी अभी अब उसने ज्वाइन किया एकदम, और एकदम टशन में, स्वैग में, रॉक वॉक बजाता था, गाता था भाई, बॉस के सामने गया, जो धुलाई हुई है, सेकंड ईयर आर्टिकल तक स्पाइक नीचे आ गए थे। क्लीन शेव गायब, गिटार विटार तो बोले अब लोग मेरे बराबर मेरे को ही बजाते, बोले गिटार विटार क्या, बोले। करेक्ट। तो बेचारा उसे सीए से विश्वास छूट, फिर कोई बात नहीं, धीरे धीरे ना, एक बार नहीं बस, तू हमें यही तो बोलते हैं, नहीं बस आर्टिकलशिप खत्म कर ले बाकी सब ठीक है। बहुत बड़ा फ्रॉड है, सीए खत्म कर ले बाकी सब ठीक है, जॉब अच्छा मिल जाएगा तो बाकी सब ठीक है, शादी हो जाएंगी तो बाकी सब ठीक है। ट्रूथ इज सब ठीक है। ओके, हो गया टाइम पास। नहीं। तो बोले मजा नहीं आया, बोले सर ने सुना, चलो बता रहा हूँ, बहुत जहर है उसमें भी, लगे जहर की मात्रा बहुत है। तो ऐसा है, क्या तरीके होते हैं पानी का पोपट बनाने के, पानी का पोपट मतलब पानी को पोपट, यानी पोपट बनाना मतलब बेवकूफ बनाना, ठीक है। तो बहुत आसान है, मैं बात हूँ, कमजोर दिल वाले खुद को संभाल रखें, ठीक है। सर आपका नाम? सर श्रीकांत। ऐसे तो श्रीकांत बोल रहे, तो श्रीकांत क्या करता है, सुबह उठता है, देखता है कि लाइट गई हुई है, किचन में जाता है, एक बड़ा सा गंज लेता है, क्लीन बड़ा सा गंज, उसमें एकदम एक्वागार्ड का जो पानी है वो डालता है, पूरा गंज फुल करता है, उसको ढकता है और उसको गर्म करना शुरू करता है। जब वो एकदम बॉईल करना शुरू करता है, मतलब इट हैज क्रॉस 100 डिग्री सेल्सियस, तो गैस बंद करता, इमीडिएटली अपने रूम में भागता, फटाफट कपड़े वपड़े पहनता, ठीक है, घर रूम लॉक करके बाहर चले जाता। नहीं, कुछ लोगों को समझ, कुछ लोग खुद पे हंस रहे हैं, कुछ लोग ये सोच रहे हैं इस पे हंसा नहीं जाएगा। अरे पानी को लगता है गर्म किया, अब मेरे से नहाएंगे। अरे ऐसा था क्या, बोले। लेकिन नहीं, नहीं बोले, भगवान किसी ना किसी को तो उठा ही ले, बोले बहुत जरूरी है, ठीक है, बोले पानी को ही उठा ले। अच्छा एक तरीका हुआ है। इस सर को भी बहुत जहर महसूस हुआ था एकदम, मैं अकेला नहीं सोऊंगा, बोले सबको। अभी और फिर श्रीकांत और एक काम करता, ठीक है, बाथरूम में आता, ठीक है, एक अच्छी सी बाल्टी लेता, नल के नीचे लगाता, नल शुरू करता, बाल्टी खींच लेता। पानी को लगता पर बाल्टी में गिरेंगे। अपन बाल्टी में गिरेंगे जो, बोले लेकिन अपन बाहर गिरे, बोले बोले ये बहुत ही हो गया, बोले बस लास्ट। अब बोले अति हो गई, बोले
लास्ट, फिर आखिरी। तो श्रीकांत क्या करता कि फिर से एक बाल्टी लेता, ठीक है, फिर जाता फ्रिज ओपन करता, बहुत सारे जो आइस के ट्रे रहते हो लेता, पूरे पूरे आइस के ट्रे खाली करता, ऑलमोस्ट 80% पूरी बाल्टी भर देता, फिर उसमें इस बार पानी भी भरता, पानी गिरता इस बार, फिर सब कुछ होता, 10-15 मिनट वेट करता, उसके बाद में हाथ डालता पानी में, भी चटका लग गया। अरे समझा ही नहीं। अरे ये तो समझ में भी नहीं आ रहा बोले। अरे बोले मैं बहुत क्यूरियस है बोले। अरे पानी इज आइस कोल्ड और उसको बोलते चटका लग रहा है। अरे तो पानी फिर बेवकूफ बन जाता ना, बोले मैं ठंडा हूँ कि गर्म है समझ में नहीं आ रहा बोले। बोले हमको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा बोले। बोले ये सब करने से अच्छा एक फ्लोर से हमको धक्का देते बोले। ध्यान देंगे, भावनाएं कंट्रोल करेंगे। थैंक्स टू श्रीकांत सर, कल भी बोल रहे थे, बोला ठीक है सुनाएंगे सुनाएंगे। लेकिन सही है, इतना खतरनाक भूल जाता आदमी, अभी तक जो पढ़ा था वो पढ़ावा नहीं भूलता। नाउ लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, ठीक है। नाउ कारो के क्लॉजेस, तो उसमें पहले फिक्स एसेट था, जो इंपॉर्टेंट बातें रहेंगी उस पर फोकस करते रहेंगे। फिक्स एसेट में वी आर सपोज, ऑलरेडी सपोज टू कमेंट ऑन थ्री थिंग्स, एंड प्लीज राइट ऑर्डर को रिपोर्ट करना है, ऐसा लिखो, ठीक है, दैट ऑर्डर हैज टू रिपोर्ट। बच्चे लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम, कैसे प्रॉब्लम करते बताओ। सो ऑर्डर हैज टू रिपोर्ट ऑन थ्री थिंग्स, वेदर कंपनी इज परफॉर्मिंग फिजिकल वेरिफिकेशन विद इन रीजनेबल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो बच्चे लिख के आते हैं, ऑडिटर शुड परफॉर्म रीजनेबल, ऑडिटर शुड परफॉर्म फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स एसेट्स, सत्यानाश। हमको थर्ड पार्टी में लिखना, क्या कंपनी ने ये किया, वी हैव टू रिपोर्ट वेदर कंपनी डिड दिस। तो बी केयरफुल व्हाइल राइटिंग, थोड़ा केयरफुल रहिए उसमें, ठीक है। तो ऑडिटर को पहले रिपोर्ट करना पड़ता है वेदर कंपनी हैज परफॉर्म फिजिकल वेरिफिकेशन विद इन रीजनेबल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, उसकी पहले एक पॉइंट रह गया, ठीक है। वी हैव टू रिपोर्ट नंबर वन, वेदर कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर फिक्स्ड एसेट रजिस्टर, क्या कंपनी प्रॉपर फिक्स एसेट रजिस्टर मेंटेन कर रही है, क्योंकि जो कंपनी फिक्स एसेट रजिस्टर मेंटेन नहीं करेंगे उनके फिक्स एसेट्स की चोरी हो जाएगी तो पता भी नहीं चलेगा। क्या कंपनी प्रॉपर फिक्स एसेट रजिस्टर मेंटेन करती है, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, फिजिकल वेरिफिकेशन होता है कि विद इन रीजनेबल इंटरवल ऑफ टाइम। पॉइंट नंबर थ्री होता है क्या, फिर उसको डिफरेंस नहीं होता, अगर कोई डिफरेंस आता है तो वेदर इट इज एडजस्टेड। पॉइंट नंबर थ्री, क्या फिक्स एसेट्स के, फिक्स एसेट्स में जो इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, नॉट मूवेबल, ओनली इमूवेबल, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है क्या उसके टाइटल डीड्स कंपनी के ही नाम पर है ना। क्या ऐसे कुछ फिक्स एसेट्स है जहां पे टाइटल डीड्स अभी भी कंपनी के नाम पर ट्रांसफर नहीं हुआ है। ऐसा होता है आपके पार्टनरशिप फर्म गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कंपनी, कन्वर्जन हो गया, एसेट्स आ गए, लेकिन अभी भी लीगली किसके नाम पे, पार्टनर के नाम पे, या फिर एमेलगमेशन, मर्जर, डीमर्जर में ऐसा होता है। तो वहां पे देखना है क्या कोई ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी है वेयर टाइटल डीड्स आर नॉट इन द नेम ऑफ द कंपनी। इस पॉइंट क्लियर, कितनी बातें कमेंट करें साहब, तीन, मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर, फिर रीजनेबलनेस ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन, और तीसरा टाइटल डीड्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आर इन द नेम ऑफ द कंपनी। अब छोटे छोटे केसेस, पहले मेंटेनेंस पे, कंपनी बोल रही है कि सिर्फ हम वही एसेट्स मेंटेन करेंगे जो हमने खरीदे, जो हमने खुद बनाए, जो खुद कंस्ट्रक्ट किए, उसको फिक्स एसेट रजिस्टर में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। डू यू अग्री? नो, ऑल द फिक्स एसेट शुड बी देयर। फिक्स एसेट रजिस्टर शुड कवर ऑल द टाइप्स ऑफ फिक्स एसेट, नंबर वन एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टेड, या फिर ऑन फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज में भी हो तो ओनर आप ही हो, ओनरशिप इज योर्स ओनली, तो वो भी इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। आपको लोकेशन बताना पड़ता है, अगर सपोज फिक्स एसेट एम्प्लॉय के घर पे है तो क्या करोगे, हो सकता है ना
उसके घर पे एसी लगा हुआ है, फर्नीचर है, फ्रिज है, बाकी चीजें, तो उसका डेजिग्नेशन लिखना पड़ता है लोकेशन में, उसका एक्चुअल घर का एड्रेस नहीं, डेजिग्नेशन कि वाइस प्रेसिडेंट के घर पे या किसके भी घर पे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट क्विकली? नंबर वन इज मेंटेनेंस ऑफ फिक्स एज ए रजिस्टर। हमने एक केस, उसमें केसेस है किसके, इंक्लूजन के, किसके केस साहब, इंक्लूजन कि सभी तरह के फिक्स एसेट होने चाहिए। फुल्ली डेप्रिशिएटेड फिक्स एसेट भी होने चाहिए क्या? फुल्ली डेप्रिशिएट हो गया क्या वो फिक्स एसेट रजिस्टर में होने चाहिए? यस, उल्टा ज्यादा, ठीक है वो तो होना ही चाहिए। फुल्ली डेप्रिशिएट हो भी गया, जीरो एकदम नॉर्मल, तो भी उसको होना चाहिए, वो तो ज्यादा जरूरी है, नहीं तो चोरी हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। लोकेशन का केस, कुछ एसेट्स मूविंग होते हैं, क्रेन कंटिन्यूसली मूव कर रही है, तो क्या लिखो लोकेशन में, मूविंग एसेट, और मूविंग एसेट का एक रजिस्टर बनाओ, हर महीने उसको अपडेट करते रहो, जैन में कहा था, फेब में कहा था, मार्च में कहा था, इनफ चलेगा, ठीक है। और अगर एम्प्लॉय के घर पे है तो उसका डिजिग्नेशन लिख दो, दैट विल बी फाइन। रीजनेबल टाइम मतलब कितना, हर साल करवा रहे, इज इट रीजनेबल? हर साल फिजिकल वेरिफिकेशन करा रहे फिक्स एसेट, इज इट रीजनेबल? यस नो? 2 साल में एक बार है तो, 3 साल में एक बार है तो, ओके 3 साल में एक बार तक चलता है फिक्स एसेट, चलता है इन्वेंट्री में नहीं चलता है। एज पर गाइडेंस नोट, अगर फिजिकल वेरिफिकेशन वंस इन 3 ईयर्स है तो एब्सोल्युटली फाइन, वंस इन 3 ईयर एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन जैसे ही 1 साल के ऊपर जाते हो तो रिपोर्ट में लिखना पड़ता है, इट इज वंस इन 2 ईयर्स बट इज रीजनेबल, वंस इन 3 ईयर्स बट इज रीजनेबल। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, फिक्स एसेट बहुत ज्यादा फैले हुए होते हैं, हर साल फिजिकल वेरिफिकेशन करना मे नॉट बी पॉसिबल। टाइटल डीड्स कंपनी के नाम पे होना चाहिए, इसमें एक केस, अगर टाइटल डीड्स चोरी हो गए तो, इफ दे आर लॉस्ट, लॉस चोरी हो गए तो क्या करेंगे, ठीक है। तो ऐसे केस में हम लोगों ने, अगर हमारे पास में कोई जेरोक्स कॉपीज होंगी, जेरोक्स कॉपीज होंगी तो वो मैनेजमेंट से सर्टिफाई करके ले लो, अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स गुम चुके हैं तो कोई फोटो कॉपीज होंगी, जेरोक्स कॉपीज होंगी तो उसको साइन करके ले लो, पहला। दूसरा, एफआईआर की कॉपी, आपने एफआईआर करना चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चले गए, एफआईआर का कॉपी भी आपके पास होना चाहिए अगर आपके पास, तो ठीक है, ये एविडेंसेस लेकर आप रिपोर्टिंग कर सकते हो, जेरोक्स कॉपीज, सर्टिफाइड जेरोक्स कॉपीज एंड एफआईआर कॉपीज लेकर आप, ठीक है, रिपोर्टिंग करिए, दैट विल बी फाइन। और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, सर्टिफाइड कॉपीज लो, एफआईआर लो, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लो, ये एविडेंसेस लेकर आपको काम चलाना पड़ेगा, जहां नहीं है तो बताना पड़ता है टोल कितने केसेस है, जो टोल कितने केसेस है लैंड के जो हमारे नाम पे नहीं है, बिल्डिंग के जो हमारे नाम पे नहीं है, सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी है। लेट्स फ्रीज गाइस, पहले क्या था, फिक्स्ड एसेट्स, फ्लिपकार्ट इज फॉर फिक्स एसेट्स, कितनी बातें, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस में केसेस थे किसके, इंक्लूजन के, पहला उसमें था कि सभी तरह के एसेट्स आने चाहिए, दूसरा था जीरो डिप्रिसिएशन वाले भी आने चाहिए, इंक्लूजन के बाद में था लोकेशन, मूविंग एसेट्स है तो मूविंग लिखो, अलग से रिकॉर्ड्स मेंटेन करो, एम्प्लॉय घर पे है तो उसका डेजिग्नेशन लिखो, काफी है। मेंटेनेंस के बाद में क्या है, रीजनेबलनेस, कितने साल तक रीजनेबल मानते हैं, 3 साल तक, 1 साल के ऊपर गए तो रिपोर्ट में लिखना पड़ता है, वंस इन 2 ईयर बट रीजनेबल, वंस इन 3 ईयर बट रीजनेबल। फिर उसके बाद में टाइटल डीड्स, सिर्फ कौन से प्रॉपर्टी को लगता है, एसेट को लगता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इट इज लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। अगर गुम गए तो क्या करेंगे, 3 एविडेंस, पहले सर्टिफाइड कॉपीज, फिर उसके बाद में एफआईआर, और उसके बाद रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। नाउ फ्लिपकार्ट के नीचे क्या था, इंडियन एयरलाइंस, इस दैट इज इन्वेंट्री, दैट इज इन्वेंट्री, करेक्ट। इन्वेंट्री में हमको सिर्फ कमेंट करना पड़ता है रीजनेबलनेस पे। फिक्स एसेट में कितनी बातें थी, 3, यहां पे कितना है, सिर्फ एक, रीजनेबलनेस, क्या कंपनी रीजनेबल इंटरवल ऑफ टाइम में, रीजनेबल इंटरवल ऑफ टाइम में फिजिकल वेरिफिकेशन करवाते हैं क्या, करेक्ट, कराने के बाद में डिफरेंस को एडजस्ट करते हैं क्या, और रीजनेबलनेस कितना मानते हैं, वंस इन अ ईयर, 1 साल के अंदर होना चाहिए तभी रीजनेबल होता है, उससे ज्यादा रीजनेबल मानते नहीं है। जो मार्क करा रहे हो बस उसी पे ध्यान दीजिए। फ्लिपकार्ट फिक्स एसेट्स हो गया, इंडियन एयरलाइंस इन्वेंट्री हो गया, ठीक है। उसके बाद में लिंक्ड इन, लोन गिवन टू रिलेटेड पार्टीज, ठीक है, दिस क्लॉज इज ओनली एप्लीकेबल टू लोन गिवन टू रिलेटेड पार्टीज, वो रिलेटेड पार्टीज जो लॉजिकली कवर होने चाहिए सेक्शन 189 रजिस्टर में, दिस पर्टिकुलर क्लॉज इज एप्लीकेबल ओनली टू दोज लोन्स विच आर जनरली कवर्ड इन, विच आर लोन गिवन रिलेटेड पार्टीज विच आर जनरली कवर्ड इन सेक्शन 189 रजिस्टर, सिर्फ उन्हीं लोन को लगता है, सभी लोन को लगता नहीं है। क्या कमेंट करना पड़ता है, नंबर वन, वेदर दे आर प्री जुडिशियल, पहला कमेंट करना पड़ता है वेदर प्री जुडिशियल, प्री जुडिशियल मतलब हार्मफुल, अगर हार्मफुल, अगर लोन आपने दिया है, इंटरेस्ट रेट बहुत कम चार्ज किया, इट इज हार्मफुल,
आपने 25-50 साल के लिए दे दिया तो इट इज ठीक है, फिर आपको कमेंट करना पड़ता है इट इज हार्मफुल, बहुत ज्यादा समय के लिए दे दिया, आपने कोई सिक्योरिटी नहीं ली है, अगेन इट इज हार्मफुल, तो वो आपको कमेंट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में रेगुलरिटी ऑफ रिकवरी पे कमेंट करना पड़ता है, आर वी वेदर कंपनी इज रेगुलर इन रिकवरिंग मनी फ्रॉम द रिलेटेड पार्टी, ठीक है, क्या रेगुलरली पैसा रिकवर कर रहे हैं, उसमें भी आपको देखना पड़ता है। वेदर अग्रीमेंट प्रोवाइड रिपेमेंट टर्म्स, वेदर अग्रीमेंट प्रोवाइड रिपेमेंट टर्म्स, अगर टर्म्स दिए हैं तो उसके हिसाब से रेगुलरिटी चेक करेंगे, टर्म्स ऑफ रिपेमेंट दिए ही नहीं है तो वी कैनॉट कमेंट ऑन रेगुलरिटी, समझ रहे सब। सो वी हैव टू सी वेदर टर्म्स ऑफ रिपेमेंट आर गिवन, इफ टर्म्स ऑफ रिपेमेंट आर गिवन वी हैव टू चेक वेदर रिपेमेंट्स आर हैपनिंग रेगुलरली एज पर दोस टर्म्स एंड कंडीशंस, समझ रहे सब। अग्रीमेंट होगा तो रेगुलरिटी पे कमेंट कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते। कई कई पे सिर्फ इतना लिखा होता है म्यूचुअली दे विल डिसाइड, म्यूचुअली दे विल डिसाइड, म्यूचुअली दिस कंपनी में आस्क, ऐसा सब कुछ लिखा हो सकता है, तो वहां पे हम रेगुलरिटी पे कमेंट कर नहीं सकते। तीसरा स्टेप्स ऑफ रिकवरी, स्टेप्स ऑफ रिकवरी, हमको स्टेप्स ऑफ रिकवरी पे कमेंट करना है इफ अमाउंट इज आउटस्टैंडिंग मोर देन 90 डेज। स्टेप्स ऑफ रिकवरी, स्टेप्स ऑफ रिकवरी बहुत सारे होते हैं, सिर्फ लीगल स्टेप्स नहीं होते, करेक्ट। सामने वाले को बहुत सारा कम्युनिकेशन करना, उसको लेटर्स भेजना, उससे मीटिंग करना, उसके बाद उसके साथ में ट्रांजेक्शन बंद कर देना, लीगल नोटिस देना, उसकी सिक्योरिटी को बेचना, ऑल दीज आर स्टेप्स फॉर रिकवरी। लेट्स फ्रीज गाइज, लिंक्डइन इज फॉर लोन गिवन टू रिलेटेड पार्टीज, ओनली दोज लोन्स विच आर जनरली कवर्ड इन सेक्शन 189 रजिस्टर। क्या कमेंट करना है पहले, वेदर द टर्म्स एंड कंडीशन आर प्री जुडिशियल हार्मफुल इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। दूसरा कमेंट करना है वेदर रिपेमेंट इज हैपनिंग रेगुलरिटी, रेगुलरिटी ऑफ रिकवरिंग मनी फ्रॉम द रिलेटेड पार्टीज। और तीसरा कमेंट करना है स्टेप्स ऑफ रिकवरी, क्या कंपनी ने स्टेप्स ऑफ रिकवरी लिए इफ अमाउंट इज आउटस्टैंडिंग मोर देन 90 डेज, क्या कंपनी बराबर काम कर रही है, ये ऑडिटर को कमेंट करना है। ऑडिटर को काम नहीं करना है, कंपनी बराबर काम करेगी वो कमेंट करना है। जब भी ये क्लॉज आता है AS 18 और SA 550 लगा दो, क्योंकि दे आर अगेन कनेक्टेड विथ रिलेटेड पार्टीज। ओके, लिंक्डइन के बाजू में क्या था ऊपर live.com, उसके बाजू में ऊपर था live.com, यहां पे कमेंट करना है लोन्स टू, क्या लोन्स डायरेक्टर आर प्रॉपर एज पर सेक्शन 185 एंड 186। तो सभी ऑडिटर्स को रिपोर्ट करना पड़ता है कि सेक्शन 185 और 186 का प्रॉपर कंप्लायंस हुआ है कि नहीं हुआ है। दिस पॉइंट क्लियर। अब 185 186 में जाने नहीं वाला क्योंकि वो हमारे स्कोप में आता नहीं है, लेकिन लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन पूछा था नवंबर 18 एग्जाम में, इसके ऊपर कॉन्सेप्ट नंबर 397.10, ठीक है, वहां पे आप लिख सकते हो सिर्फ कॉन्सेप्ट नंबर 397.10। एज अ कंपनी ऑडिटर यू नोटिस दैट देयर इज अ इंटर कॉर्पोरेट लोन ग्रांटेड बाय द कंपनी, व्हाट आर द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट एज रिगार्ड्स द मैटर्स कंसर्निंग द टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट on the intercorporate loan. यहां पे देखो, अब कारों में इतना बोला है कि हमको कारों में हमको रिपोर्ट करना है वेदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 185 एंड 186, रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 185 186 आर प्रॉपरली कंप्लाइड विद। तो इसके लिए आपको नॉलेज चाहिए किसका, सेक्शन 185 186 का। अब इन्होंने बोला है कि इंटरेस्ट को लेकर आप एज ऑडिटर इंटरेस्ट के लिए आप क्या करोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सेक्शन में इंटरेस्ट के बारे में क्या लिखा है। तो वहाँ पर लिखा है इंटरेस्ट रेट इज नॉट लोअर देन द प्रिवेलिंग ईल्ड ऑफ 1 ईयर 3 ईयर 5 ईयर एज द केस में बी एज पर टेन्योर ऑफ द लोन। तो ये सेक्शंस में ऐसा लिखा हुआ है कि जो आप लोन दे रहे हो, अगर आप लोन दे रहे हो
वो जो लोन है उसका जो इंटरेस्ट रेट है, उसका जो इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट जो चल रहा है उससे कम होना नहीं चाहिए। दूसरा, अगर उन्होंने डिफॉल्ट किया है इन रीपेमेंट ऑफ एनी डिपॉजिट, डिपॉजिट एक्सेप्टेड या फिर उसका इंटरेस्ट, कंपनी इज नॉट अलाउड टू गिव एनी लोन और गारंटी और सिक्योरिटी ऑन एक्विन टिल द सच डिफॉल्ट इज सब्सिस्टिंग। ठीक है, दो चीजों के बारे में उन्होंने बोला हुआ है, एज पर सेक्शन 185 186 जब आप लोन दे रहे हो तो आपने देखना चाहिए कि इंटरेस्ट रेट प्रिवेलिंग मार्केट जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट है उससे कम होना नहीं चाहिए। बोले इतना कैसे कम चार्ज कर रहे हो? ठीक है, उससे कम नहीं होना चाहिए। और दूसरा सेकेंड थिंग कि अगर आपने डिपॉजिट्स रीपे नहीं किए तो आप किसी को लोन दे नहीं सकते, यू कैन नॉट गो एंड गिव द लोन। तो ये दो कंडीशन है, ये दो कंडीशन ऑडिटर ने चेक करनी चाहिए और ठीक है उसको रिपोर्ट करना चाहिए कि अगर ऐसा हुआ कभी, अगर कम रेट में लोन दिया है तो उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा, कोई और डिफॉल्ट है तो रिपोर्ट करना पड़ेगा, कौन से कंपनी को लोन दिया, कितना अमाउंट इन्वॉल्व था बैलेंस शीट पर आउटस्टैंडिंग, ये आपको बताना पड़ेगा। एग्जाम में पूछा हुआ है, नवंबर 18 एग्जाम्स। ठीक है, तो 1.5 साल पहले अगर ऐसा पूछा हुआ है इन्होंने, तो अगर 185 लेकिन 185 186 में बहुत ज़्यादा नहीं आ सकते साहब, दिस इज द ओनली क्वेश्चन विच इज आस्ट, यही क्वेश्चन सिर्फ उन्होंने पूछा हुआ है, इसका नॉलेज है हमको उतना काफ़ी है। बात समझिए क्या साहब, ये नाउ क्विकली फ्लिपकार्ट इज फॉर फिक्स एसेट्स, कितनी बातें, तीन। इंडियन एयरलाइंस इज फॉर इन्वेंट्री, कितनी बातें, एक। लिंक्डइन इज फॉर लोन टू रिलेटेड पार्टीज, ठीक है, कितनी बातें, तीन। वेदर इट इज प्री जुडिशियल, रेगुलरिटी ऑफ रिकवरी एंड स्टेप्स ऑफ रिकवरी इफ आउटस्टैंडिंग मोर देन 90 डेज। उसके बाद में Live.com इज फॉर लोन्स गिवन अंडर सेक्शन 185 एंड 186। एक केस पढ़ा उसमें इंटरेस्ट के बारे में था, इंटरेस्ट शुड नॉट बी लोअर देन दी गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट, उससे कम होना नहीं चाहिए। और अगर आपने डिपॉजिट्स पर डिफॉल्ट किया तो आप लोन दे ही नहीं सकते। ठीक है, फिर उसके बाद में आपके Live.com के नीचे कौन था, ड्रॉप बॉक्स, ड्रॉप बॉक्स इज फॉर डिपॉजिट्स। सिंपल सा हमको कमेंट करना है, बहुत ही आसान सा कमेंट करना है। अच्छा, मैं इंपॉर्टेंट वाले कौन से भी मार्क करवा देता हूँ आपको, पहले तीन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा है, पूछा है, ठीक है। डिपॉजिट्स पे सिंपल सी बात कमेंट करनी है, क्या कंपनी ने डिपॉजिटर्स को तंग किया क्या, तो कैसे हम देखें, हमको देखना है, हमको कमेंट करना है कि वेदर कंपनी इज कंप्लाइंग विद सेक्शन 73 to 76, 73 76 खास डिपॉजिटर्स के लिए है। क्या कंपनी सेक्शन 73 76 फॉलो कर रही है कंपनीज एक्ट का, क्या आरबीआई के इंस्ट्रक्शन, सेबी के इंस्ट्रक्शन, जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज है उनके इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रही है विद रिस्पेक्ट टू डिपॉजिटर्स, वो हमको यहाँ पे कमेंट करना है। अगर नहीं किया उन्होंने फॉलो, तो क्या इनके अगेंस्ट कोई एक्शन हुआ है क्या, वेरी एनी ऑर्डर इज पास्ड, और वो ऑर्डर को भी कंप्लाई कर रहे कि नहीं कर रहे, पहले बेसिक सेक्शंस एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे क्या, नहीं कर रहे तो कोई ऑर्डर पास हुआ, क्या वो ऑर्डर को फॉलो कर रहे कि नहीं कर रहे। सो बेसिकली वेदर दिस कंपनी इज डूइंग जस्टिस टू देयर डिपॉजिटर्स, उसके लिए ये कमेंटिंग हमको करनी पड़ती है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में CN इज फॉर कॉस्ट रिकॉर्ड्स, ये क्लॉज ये नहीं बोलता कॉस्ट ऑडिट कर डालो, सपोज टू कॉस्ट ऑडिट, ये क्लॉज बोलता है इफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स आर एप्लीकेबल टू कंपनी गो एंड टेक अ प्राइमा फेसी, डू अ प्राइमा फेसी रिव्यू, ऊपर ऊपर से प्राइमा फेसी रिव्यू करो वेदर कॉस्ट रिकॉर्ड विच आर मेंटेन्ड बाई द कंपनी, जो कॉस्ट रिकॉर्ड वो लोग कॉस्ट रिकॉर्ड्स जो वो मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, विच दे आर मेंटेनिंग, जो उन्होंने बनाए हैं और जो मेंटेन कर रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट उनको बना बनाए मिलते हैं, कुछ वो बनाते हैं, मेड एंड मेंटेन्ड बाई द कंपनी, ठीक है, वो अप्रोप्रिएट लग रहे हैं। प्राइमा फेसी रिव्यू करके ओपिनियन देना है, एक जनरल रिव्यू करके ओपिनियन देना है कि दे आर मेंटेनिंग अप्रोप्रिएट कॉस्ट रिकॉर्ड्स, अप्रोप्रिएट कॉस्ट रिकॉर्ड्स वो बना रहे, मेंटेन कर रहे हैं। सिर्फ ओवरव्यू किया, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिया, खत्म, डिटेल्ड ऑडिट करने की जरूरत नहीं है। इस पॉइंट क्लियर, क्विकली 6 क्लॉज हो गए, पहला फिक्स एसेट, दूसरा इन्वेंट्री, तीसरा लोन रेट पार्टी, चौथा लोन अंडर 185 186, फिर डिपॉजिट्स, और उसके बाद में कॉस्ट रिकॉर्ड्स। कॉस्ट रिकॉर्ड्स में भी क्या करना है, जाके एक प्राइमा फेसी जनरल रिव्यू ओवरव्यू लेना है, अप्रोप्रिएट लग रहा है क्या, और क्या लेना उसके बाद में
रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, दैट्स इट नाउ, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट. स्टैट्यूटरी ड्यूज, एसबीआई करके था शॉर्टकट, स्टैट्यूटरी ड्यूज पे वी हैव टू कमेंट थ्री थिंग्स. तीन चीजें हमको कमेंट करनी है. नंबर वन, वेदर कंपनी इज रेगुलर इन डिपॉजिटिंग स्टैट्यूटरी ड्यूज टू गवर्नमेंट. क्या कंपनी रेगुलरली स्टैट्यूटरी ड्यूज गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर रही है क्या? रेगुलरिटी पे कमेंट करना है. दूसरा कमेंट करना है, क्या कोई ऐसा अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यू है विच इज आउटस्टैंडिंग मोर देन 6 मंथ्स एज ऑन बैलेंस शीट डेट. कोई डिस्प्यूट नहीं था फिर भी आपने पे नहीं किया, इट इज आउटस्टैंडिंग मोर देन 6 मंथ्स. और तीसरा कमेंट करना है, क्या क्या कोई डिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यू है क्या जिसपे कंपनी ने अभी तक पेमेंट नहीं किया है? क्विकली ध्यान देंगे, तीन बातें. वेदर कंपनी इज रेगुलर, वेदर कंपनी इज रेगुलर इन पेइंग स्टैट्यूटरी ड्यूज, ठीक है. दूसरा हम कमेंट करना है, कोई अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यू है क्या which is outstanding more than 6 months as on balance sheet date. तीसरा, कोई ऐसा statutory due में कोई dispute है क्या जहां पे कंपनी ने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, ठीक है. लेट्स सी, एक एक में जाते आगे. सो वी हैव टू कमेंट ऑन रेगुलरिटी ऑफ statutory dues. तो सबसे पहले गाइडेंस नोट क्या बोलता है, ये रेगुलरिटी पे जब कमेंट करना है, जब ये रेगुलरिटी पे कमेंट करना है तो सिर्फ व्हेन वी हैव टू कमेंट ऑन रेगुलरिटी टू सी ओनली दोज स्टैट्यूटरी ड्यूज, सिर्फ वो स्टैट्यूटरी ड्यूज देखो जिनको हमको पीरियोडिकली पे करना पड़ता है. सिर्फ ऐसे स्टैट्यूटरी ड्यूज देखो जिनको हमको पीरियोडिकली पे करना पड़ता है. सर मतलब जैसे जीएसटी हमको पीरियोडिकली पे करना पड़ता है एवरी मंथ, कुछ लोग क्वार्टरली, पीरियोडिकल पेमेंट है. एडवांस टैक्स हमको क्वार्टरली पे करना पड़ता है, पीरियोडिकल पेमेंट है. टीडीएस हमको मंथली पे करना पड़ता है, पीरियोडिकल पेमेंट है, करेक्ट. स्टैट्यूटरी ड्यूज में सिर्फ टैक्सेस नहीं आते, प्रोविडेंट फंड हमको मंथली पे करना पड़ता है, पीरियोडिकल पेमेंट है, करेक्ट. तो जो पीरियोडिकल पेमेंट्स है सिर्फ उनको स्टडी करो, उनको एनालाइज करो, उन पे रिपोर्ट करो, क्योंकि उन्हीं के रेगुलरिटी पे आप कमेंट कर सकते हो. लेकिन जैसे कस्टम ड्यूटी है, इट इज नॉट अ पीरियोडिकल पेमेंट. जब इंपोर्ट करूंगा तब पे करूंगा, उसको कवर नहीं करना फॉर दिस कमेंट, समझ रहे आप. मैंने इंपोर्ट सिर्फ अप्रैल में किया तो पेमेंट सिर्फ कब होगा? अप्रैल में. अगर मैंने उसको दिसंबर में, तो सिर्फ दिसंबर में. तो बहुत आसान है, वी हैव टू कमेंट ऑन रेगुलरिटी ऑफ पेइंग स्टैट्यूटरी ड्यूज. फॉर द पर्पज ऑफ रेगुलरिटी कंसिडर ओनली दोज स्टैट्यूटरी ड्यूज विच आर जनरली पेड पीरियडिकली. कस्टम ड्यूटी इज नॉट अ पीरियडिकल पेमेंट, हेंस वी डोंट हैव टू कमेंट ऑन इट. समझे आपको, क्लॉज सभी स्टैट्यूट ड्यूज को एप्लीकेबल है. ओ भाई ऐसा इंटरप्रिट नहीं करना है, ठीक है. क्लॉज इज एप्लीकेबल टू ऑल स्टैट्यूटरी ड्यूज, बट व्हेन कम्स टू कमेंटिंग ऑन रेगुलरिटी वील कंसिडर ओनली दोज विच आर पेड पीरियडिकली. तो उसमें कहानी में ट्विस्ट है, बहुत पहले कहीं पे केस हुआ था इंस्टीट्यूट में, और अपने नोट्स में इसके बाहर केस नहीं आ सकता. हाँ पैसे अगर क्या केस आया तो पैसे वापस. क्या जब से मैं पढ़ रहा हूँ, कर 2003 जब आया था, जब मैं इंटर में था, 21 क्लॉज थे भाई, क्या रट्टा मारा था सबने, अमेंडमेंट था, ठीक है. तब से मैं देख रहा हूँ
इंस्टीट्यूट केस एक ही जगह से बना था, गाइडेंस नोट, गाइडेंस नोट से बना था वो, वहां से भी वो पैराग्राफ सिलेक्ट करते थे, फिर उसको सूट करने वाला क्वेश्चन मैक्सिमम, मतलब अभी तक के मैंने जितने भी केसेस देखे हैं सब गाइडेंस नोट से उठा के डाले। इसका मतलब गाइडेंस नोट पढ़ लो ऐसा नहीं, मैंने पढ़ लिया, मैंने पढ़ के नोट्स अपने बनाए वैसे ही बने। तो गाइडेंस नोट में एक केस था, तो इंस्टीट्यूट के शायद बहुत पुराने एमटीपी में केस आया था। फिर जैसे ही केस आया, मतलब कुछ तो आधा अधूरा पूछा हुआ है, सर्च किया गाइडेंस नोट में मिल गया वो, अब समझो बोला क्या पूछा। तो कस्टम ड्यूटी इज नॉट अ पीरियडिकल पेमेंट, तो उसके रेगुलरिटी पे, उसकी रेगुलरिटी चेक करने की और कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने कस्टम के वेयर हाउस में गुड्स रखे हैं, तो एज पर कस्टम्स एक्ट, कस्टम्स एक्ट में लिखा है कि आपको रेगुलरली उसके ऊपर रेंट पे करना पड़ेगा, और रेगुलरली उस पर इंटरेस्ट, जो कस्टम ड्यूटी आउटस्टैंडिंग है उसका इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। सो दिस रेंट इज पेड एज पर कस्टम्स एक्ट, दिस इंटरेस्ट इज पेड एज पर कस्टम्स एक्ट। तो क्या वो रेंट और इंटरेस्ट कवर होंगे? यस। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? कस्टम ड्यूटी कवर नहीं होगा, इट इज नॉट अ पीरियडिकल पेमेंट, लेकिन कस्टम्स एक्ट के अंदर जो रेंट पे करना है और जो इंटरेस्ट पे करना है हर महीने, क्या उसकी रेगुलरिटी चेक करनी पड़ेगी? यस। क्या उस पर कमेंट करना पड़ेगा? यस। थोड़ा गहरा था, समझ में आया क्या भाई? अब एक ऐसा एग्जाम्पल जहां पे जिसको हम रेगुलरिटी मानते हैं और एक जिसको यहां पे रेगुलरिटी हम मानते नहीं है। 12 महीने का पेमेंट एक साथ कर दिया, साल खत्म होने के बाद विद इंटरेस्ट प्रोविडेंट फंड का, इज इट रेगुलरिटी और इरेगुलरिटी? इरेगुलरिटी, कॉमन सेंस, ठीक है, इरेगुलर। एडवांस टैक्स पे करना होता है हर साल, ठीक है, बंदे ने पहले 3 क्वार्टर में कोई एडवांस टैक्स पे नहीं किया क्योंकि उसको लगता था कि भैया मेरे को तो इस साल प्रॉफिट ही नहीं है, प्रॉफिट ही नहीं है तो काय का, प्रॉफिट ही नहीं है तो काय का एडवांस टैक्स? किस चीज का एडवांस टैक्स? विंडफॉल गेन हो गया, अचानक सडनली जो गेन होता है उसको बोलते हैं विंडफॉल, अनएक्सपेक्टेड गेन, विंडफॉल गेन हो गया उसको जान फिर मार्च के महीने में, तो फिर मार्च के महीने में उसको हो गया, तो फिर उसको अब लग गया टैक्स, उसको टैक्स लग गया भाई, अब उसने फिर पे भी किया, करेक्ट? तो साल भर उसने कोई टैक्स पे नहीं किया और फिर अचानक उसने टैक्स पे किया, क्या उसको इररेगुलरिटी मानेंगे? नो, ही डिडंट डू इट इंटेंशनली, उसने एडवांस टैक्स पे नहीं किया, दैट वाज नॉट इंटेंशनल, ही डिडंट डू इट इंटेंशनली, किसी भी एंगल से वो इंटेंशनल नहीं था, इसको इररेगुलरिटी नहीं मानेंगे, उसको रिपोर्ट नहीं करेंगे। बात समझ रहे सब? तो बहुत आसान, किस पे हमने डिस्कशन किया अभी? रेगुलरिटी पे। एक बात पढ़ी कि पीरियडिकल पेमेंट्स होने चाहिए, कस्टम नहीं आता लेकिन उसके अंदर का रेंट इंटरेस्ट आता, फिर एक एग्जांपल पढ़ा जिसको हम क्या मानते हैं? इररेगुलर, और एक जिसको हम क्या मानते हैं? रेगुलर, अनडिस्प्यूटेड, अनडिस्प्यूटेड स्टैचुटरी ड्यू विच इज आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 मंथ्स एज ऑन बैलेंस शीट डेट, ठीक है, काउंटिंग कब से करेंगे शुरू? ड्यू डेट से, ड्यू डेट से बैलेंस शीट डेट तक जाएंगे ना? यस नो, यस नो, किस चीज को ड्यू डेट मानेंगे सर? ड्यू डेट होती है, तो उसको भी समझाया है उन्होंने, कोई भी ऐसी डेट जिस डेट तक आप टैक्स को पे कर सकते हो बिना किसी इंटरेस्ट या पेनल्टी के, बिना किसी इंटरेस्ट या पेनल्टी के, उसको हम क्या मानेंगे? ड्यू डेट। समझ रहे सब? क्यों बता रहा हूँ मैं ऐसा, बहुत पहले केस था, सडनली गवर्नमेंट ने किसी चीज को जीएसटी मिलाया, पहले सर्विस टैक्स जीएसटी मिलाया, पहले नहीं था, लोग पे नहीं कर पाए, तो गवर्नमेंट ने उस इंडस्ट्री की डेट को एक्सटेंड कर दिया कि ठीक है बिना किसी इंटरेस्ट पेनल्टी के आपको एक और महीना देते हैं, तो जो एक और महीना दिया, जो डेट निकली, वो डेट को हम क्या मानेंगे? ड्यू डेट। समझ रहे आप? तो कभी कभी, ये मैंने डेफिनेशन क्यों बताई, कभी कभी डेट को एक्सटेंड किया जाता है, अगर आपने ऐसा देखा कि इंटरेस्ट भी नहीं लग रहा और पेनल्टी भी नहीं लग रही, इंटरेस्ट भी नहीं और पेनल्टी नहीं, तो फिर वो नई ड्यू डेट हम लोग कंसिडर करेंगे। हवा लगी साहब? एसबीआई क्या पढ़ते हैं? एसबीआई स्टैचुटरी ड्यूज, पहला कमेंट रेगुलरिटी, दूसरा कमेंट अनडिस्प्यूटेड स्टैचुटरी ड्यू। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को, रिसेंट एमटीपी आरटीपी में क्वेश्चन घूमना शुरू हो गया इसका, ठीक है। सबसे पहले हमको समझना है व्हाट डू मीन बाय डिस्प्यूट। टैक्स डिपार्टमेंट का हमको लेटर आता है, टैक्स डिपार्टमेंट का डिमांड ऑर्डर आता है, आपको 50 लाख का टैक्स पे करना है, इज इट अ डिस्प्यूट? डिमांड आया, डिमांड ऑर्डर निकलता है ना, डिमांड ऑर्डर निकला कंपनी के अगेंस्ट, इज इट अ डिस्प्यूट? नो, हम कंपनी ने उनको क्लैरिफिकेशन मांगा कौन से सेक्शन में कितना अमाउंट, क्या कैलकुलेशन ने बताई है, इज इट अ डिस्प्यूट? कंपनी वाले लोग बोलते हैं कि हम टैक्स नहीं पे करेंगे,
ठीक है, अपील में हम जाते हैं, इज इट डिस्प्यूट? यस तो ध्यान रखिए, सिर्फ टैक्स का नोटिस आना डिस्प्यूट नहीं होता, डिमांड ऑर्डर आना डिस्प्यूट नहीं होता, ठीक है, हमने क्लैरिफिकेशन मांगना डिस्प्यूट नहीं होता। व्हेन वी से नो वी विल नॉट एक्सेप्ट योर थिंग्स, एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे आपकी चीजों को, पे ही नहीं करेंगे, अपील में जाना चाहते जाएंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्यूट। तो केस में ऐसा खेलते बोलो कि सिर्फ कम्युनिकेशन करस्पॉन्डेंस हो रहा है, हर करस्पॉन्डेंस को आप डिस्प्यूट नहीं बोलते हो। व्हेन यू डिनाई, व्हेन यू गो अगेंस्ट देम, दैट इज कंसिडर्ड एज अ डिस्प्यूट। डिस्प्यूट में आपको डिटेल्स देने पड़ते हैं, ये रिलायंस है मुकेश भाई, इनकम टैक्स में 28 करोड़ का डिस्प्यूट, तो आपको एक्ट बताना पड़ता है, एक्ट के अंदर किस नेचर का ड्यू है, अमाउंट कौन से साल का है, कहाँ पे पेंडिंग है, इतने डिटेल्स आपको देने पड़ते हैं। इनकम टैक्स में 28 करोड़, सेंट्रल एक्साइज 210 करोड़, नहीं पहले डैश, हाँ एक्साइज 210 करोड़, सो पहले लंबी लिस्ट हुआ करती थी, अभी ओवर पीरियड ऑफ टाइम बहुत कम हो गया, हाँ कुछ है ही नहीं ना, 6.5 लाख करोड़ में क्या है ये, ठीक है, तो वो भी बता रहे हैं। चलिए, इस पॉइंट क्लियर? तो तीन बातें भी रिपोर्ट करना है, और जितने भी अमाउंट डिस्क्लोज करोगे इंक्लूड इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, जब आपको डिस्प्यूट का आंसर आए ना तो ऐसे 250 का भी रेफरेंस देना। इंस्टीट्यूट कहीं कहीं पे बहुत ही गंदा खेलता है, बीच में काफी समय पहले एक अटेम्प्ट था जब कारो नॉट एप्लीकेबल हुआ था, अजीब सा अटेम्प्ट था, क्या वो अटेम्प्ट में पूछते हो? नहीं, तो क्या हुआ, कारो नॉट एप्लीकेबल हो गया और इंस्टीट्यूट को अपना प्रैक्टिस मैनुअल रिवाइज करना था, कारो के क्वेश्चंस थे उसमें, तो क्या करना चाहिए था, डिलीट कर दो ना क्वेश्चंस, नहीं क्वेश्चंस रखे, और ऐसा डिस्प्यूट कंपनी ने ये पे नहीं किया वो नहीं पे किया, ऐसा केस था, उसको आंसर कर दिया एज पर ऐसे 250, इट्स अ नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ। डिस्प्यूट मतलब पे नहीं करना हुआ तो बोले इट इज नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ, नॉन कंप्लायंस मतलब केस बना कारो के हिसाब से, बरसों से आंसर हो रहा कारो के हिसाब से, लेकिन उसका आंसर छाप दिया ऐसे 250 के हिसाब से, फिर अगले टाइम में कारो वापस आ गया तो 250 वैसे ही रहने दिया, नीचे एक पैराग्राफ अटैच कर दिया कारों का, अभी क्या दिमाग खराब हो गया मेरा, क्या टाइम पास है। लेकिन अब ऐसा है एज अ स्टूडेंट, नहीं इन सबसे ये समझ में आता है, वो तो अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट वो देखते रहते, सजेस्टेड आंसर ऐसा क्यों लिखा वैसा क्यों लिखा, तो अगर डिस्प्यूट आया तो 250 का रेफरेंस देके नॉन कंप्लायंस की बातें आपको लिखनी चाहिए, हम पढ़ेंगे 250 तो उसमें क्लैरिटी हो जाएगी, बात समझिए के साहब, सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है ये पूरे कानून में। LIC, स्पेशल कमेंट कम मतलब क्या? अरे सही, आईसीआई बोले यू मेक योर ओन असम्पशंस, यू राइट योर ओन आंसर्स। नाउ स्टैट्यूटरी ड्यूज के बाद आपका एसबीआई के नीचे था एलआईसी, एलआईसी दैट इज लोन रीपेमेंट, तो जो डिफॉल्टर्स है जो लोन रीपे नहीं कर रहे उनको एक्सपोज करना जरूरी है, उसके लिए ये क्लॉज है डिफॉल्टर्स को एक्सपोज करने के लिए, ठीक है। नाउ कौन से डिफॉल्ट्स यहां पे कवर होते हैं? डिफॉल्ट ऑफ लोन, सारे लोन नहीं आते, डिफॉल्ट ऑफ लोन टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट, उससे छोटा बैंक, उससे छोटा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अपन ऐसे याद रखते, और उससे छोटे फिर डिबेंचर होल्डर्स, सारे लोन्स कवर नहीं होते, लोन टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट,
उससे छोटे बैंक्स, उससे छोटे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उससे छोटे डिबेंचर होल्डर्स। बच्चे डिबेंचर होल्डर्स भूल जाएंगे भाई, तो अगर डिफॉल्ट हुआ है, ठीक है, जब मैं लोन की बात करता हूँ, अब ठीक है, जब मैं लोन की बात करता हूँ तो सिर्फ डिफॉल्ट, डिफॉल्ट तो सिर्फ डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ लोन, डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ लोन, ऐसा उन्होंने बोला है। तो रीपेमेंट गाइडेंस नोट क्या बोलते हैं, रीपेमेंट सिर्फ प्रिंसिपल का होता है। तो अगर प्रिंसिपल का रीपेमेंट आपने नहीं किया, उसमें डिफॉल्ट है, दैट शुड बी रिपोर्टेड। इंटरेस्ट का डिफॉल्ट है तो नो नीड टू रिपोर्ट इट। मतलब बहुत ही गहरा ही है, पूछा नहीं, लेकिन गाइडेंस नोट में को बहुत मजा आया पढ़ के, क्योंकि मेरे को लगा नहीं था ऐसा होगा। गाइडेंस नोट ने बोला द वर्डिंग यूज्ड इज इफ देयर इज अ डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट होता प्रिंसिपल का, तो सिर्फ प्रिंसिपल का डिफॉल्ट रिपोर्ट होगा। अरे लोन में सिर्फ क्या रिपोर्ट होगा, प्रिंसिपल का डिफॉल्ट, इंटरेस्ट का डिफॉल्ट रिपोर्ट नहीं होगा। डिबेंचर होल्डर में दोनों वर्डिंग है, डिबेंचर होल्डर में वर्ड है ड्यू, एंड ड्यू इंक्लूड बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। बस समझी के साहब। फिर अगला बड़ा था गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में बोले सिर्फ गवर्नमेंट डजन इंक्लूड गवर्नमेंट कंपनी, पीएसयू, फॉरन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब सीजी और एसजी, गवर्नमेंट कंपनी नहीं आता उसमें, पीएसयू नहीं आता, फॉरन गवर्नमेंट भी नहीं आता। बात समझिए सब। तो एलआईसी वाले क्लॉज में हमको लोन रिपेमेंट के बारे में बताना पड़ता है। लोन सिर्फ 3 लोगों के कवर होते हैं, और डिबेंचर होल्डर आता है, जिनके लोन आते हैं उनका भी सिर्फ प्रिंसिपल रिपेमेंट पे, डिफॉल्ट पे हमको रिपोर्ट करना है। देन अगर हम बात करते हैं, अगर डिस्प्यूट की वजह से पे नहीं किया तो बोलो देयर इज अ डिफॉल्ट, लिखना तो पड़ेगा देयर इज अ डिफॉल्ट, लेकिन साथ में ये बताना पे नहीं किया बिकॉज ऑफ डिस्प्यूट। या फिर अगर रीशेड्यूल हो रहा है, रीस्ट्रक्चर हो रहा है, उसकी वजह से पे नहीं किया तो बोलो डिफॉल्ट है, लेकिन बोलो साथ में क्या हो चुका है, अभी रीशेड्यूल हो गया, रीस्ट्रक्चर हो गया, तो डिफॉल्ट रिपोर्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, डिस्प्यूट है इसलिए रिपोर्ट करने नहीं, नहीं इसलिए रिपोर्ट नहीं कर रहे, डिस्प्यूट तो रिपोर्ट करना, डिफॉल्ट तो रिपोर्ट करना पड़ेगा। डिस्प्यूट है वो अलग से बताओ, रीशेड्यूलमेंट है वो अलग से बताओ। समझ रहे साहब। शेड्यूल 3 में भी ये बताना पड़ता है, यू टू इंक्लूड द सेम डिफॉल्ट थिंग इन शेड्यूल 3 ऑल्सो। कारो रिपोर्ट में आपको बताना पड़ेगा कितने कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट से प्रीवियस ईयर्स के, पुराने चलते आ रहे हैं, फिर इस साल कितने डिफॉल्ट्स हुए, ओपनिंग डिफॉल्ट जो चलते आ रहे हैं वो बताना है, कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट्स जो आज भी चल रहे हैं, और इस साल कितने डिफॉल्ट्स है, दोनों का अमाउंट बताना पड़ता है और कितने समय से डिफॉल्ट चल रहा है। समझा क्या साहब। तो एसबीआई वाज इंपॉर्टेंट स्टैट्यूटरी ड्यूज, दूसरा एलआईसी वाज इंपॉर्टेंट, दैट इज रीपेमेंट ऑफ लोन। एलआईसी के नीचे कौन है, इंफोसिस। आईपीओ, एफपीओ, टर्म लोन का पैसा प्रॉपर पर्पस के लिए यूज किया कि नहीं किया, आईपीओ एफपीओ टर्म लोन का पैसा प्रॉपर पर्पस के लिए यूज किया कि नहीं किया, वो बताना हमको पड़ता है। सीबी वाला पॉइंट देखो, एक कभी कभी पैसा इमीडिएटली थोड़ी यूज कर लेते भाई, पैसा लिया है हमने, यूज किया इस बार 60%, 40% पैसा म्यूचुअल फंड में रखा है, इज इट अ मिसयूज, नो no. लेकिन कार रिपोर्ट में बताना पड़ेगा 60% यूज कर लिया है, 40% अभी बाकी है, कहाँ रखा हुआ है, म्यूचुअल फंड में, हमको इन्फॉर्मेशन पूरी देनी पड़ेगी। अगर पैसे को 4 साल में यूज करोगे तो रिपोर्टिंग कितने साल तक चलेंगी, 4 साल तक। तो शॉर्ट टर्म फंड्स में पैसा लगना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन रिपोर्ट में एक बार बता दो पैसा शॉर्ट टर्म फंड्स में रखा हुआ है। तो कारो वर्क्स ऑन अ वेरी सिंपल थिंग, जो बातें वो लिख दो रिपोर्ट में, आंसर भी लिखना है ना, रिपोर्ट में लिख दो बोले, बाकी सब देख लेंगे। इन्फोसिस के नीचे था स्टाइलिश में फिनोलेक्स केबल, इट इज फॉर फ्रॉड, ध्यान देंगे, बहुत ही आसान सर, बहुत ही सिंपल, बहुत आसान, फ्रॉड। यहां पे हमको दो तरह के फ्रॉड्स की डिटेल्स देने, कितने तरह के फ्रॉड्स, दो तरह के फ्रॉड की डिटेल्स हमको देने हैं। नंबर वन, फ्रॉड बाय ऑफिसर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ऑन द कंपनी, फ्रॉड बाय ऑफिसर एम्प्लॉय ऑन द कंपनी, जो लोग जिनकी जिम्मेदारी थी कंपनी को फ्रॉड से बचाना,
प्रोटेक्ट करना ऐसे लोगों ने, जिनके जब प्रोटेक्ट करना ऐसे लोगों ने, ठीक है, ऐसे लोगों ने कंपनी के साथ फ्रॉड कर दिया, बोले बहुत ही बुरी बात है, रिपोर्ट करना पड़ेगा। मतलब सप्लायर फ्रॉड करेगा, नो नीड टू रिपोर्ट, कस्टमर फ्रॉड करेगा, नो नीड टू रिपोर्ट, ठीक है, बिजनेस एसोसिएट फ्रॉड करेगा, नो नीड टू रिपोर्ट, ओनली फ्रॉड इज डन बाय ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, सारे फ्रॉड रिपोर्ट नहीं करने। टू टाइप्स ऑफ फ्रॉड, बाय ऑफिसर एम्प्लॉयज, और दूसरा फ्रॉड बाय द कंपनी। कंपनी ने दूसरों पे फ्रॉड किया, वो सारे फ्रॉड आ जाएंगे। ये बात समझ रहे सर? अब ये जो फ्रॉड है, ऑडिटर पकड़े जरूरी नहीं है, इट कैन बी नोटिस्ड, इट कैन बी नोटिस्ड रिपोर्टेड, ठीक है, इट कैन बी नोटिस्ड और रिपोर्टेड बाय एनीवन, इट कैन बी मैनेजमेंट, इट कैन बी मैनेजमेंट, इट कैन बी अदर ऑडिटर्स, इट कैन बी स्टैट्यूटरी ऑडिटर। ये सारे जो फ्रॉड्स है, कोई भी नोटिस करे, कोई भी रिपोर्ट करे, अगर हमको इसके बारे में पता चला तो हमने उसको कार रिपोर्ट में इंक्लूड कर लेना है। मैंने ही पकड़ा तो मैं इंक्लूड करूंगा, ऐसा नहीं होता। इसको और एक चीज बोलते हैं, फ्रॉड रिपोर्टिंग अंडर सेक्शन 143(11), क्योंकि कारो, अरे क्योंकि कारो आया 143(11) में। इस क्लॉज की रिपोर्टिंग को और कभी कभी बोलते हैं इनडायरेक्टली रिपोर्टिंग अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 11, बिकॉज कारो केम इन 143(11), ठीक है। और फिर आपके पास में सेक्शन 143(12) की फ्रॉड रिपोर्टिंग है, 143(12). अगर मैं बात करता हूँ 143(12) की, तो उसमें सिर्फ एक ही फ्रॉड कवर्ड है, यहाँ पे तो भी दो है, वहां पे एक ही फ्रॉड, कौन सा? फ्रॉड बाय ऑफिसर एम्प्लॉयज ऑन दी कंपनी, वहां पे फ्रॉड बाय कंपनी तो कवर्ड ही नहीं है। लेट्स फ्रीज, फिनोलेक्स केबल में क्या कवर्ड है? फ्रॉड। कितने फ्रॉड कवर्ड है? दो। कोई भी उसको नोटिस करे, कोई भी उसको पकड़े, फर्क पड़ता नहीं है। 143(12) में सिर्फ इतना है, एक। यहाँ पे दो कौन से? बाय ऑफिसर एम्प्लॉय ऑन दी कंपनी या फिर बाय द कंपनी, वहां पे सिर्फ क्या कवर्ड है? बाय ऑफिसर एम्प्लॉय ऑन द कंपनी। ऐसे 240 का रेफरेंस दीजिए बेस्ट। चलिए फटाफट, टाइम पास चीज़ है। आपका मैनेजरियल रेमुनरेशन, क्या कंपनी मैनेजर रेमुनरेशन बराबर कंप्यूट करके पे कर रही है अंडर सेक्शन 197 एंड 198, वो हमको बताना है, ठीक है। 197 में आपको परसेंटेज लिमिट्स दिए हैं, याद होंगे आपको, 5%, 10% एंड सो ऑन, परसेंटेज लिमिट्स आपको दिए हुए हैं 197 में, और 198 में प्रॉफिट कैसे कंप्यूट करना है दिया हुआ है। टाइम पास, तो जो इंपॉर्टेंट मार्क करो, ठीक है। बाकी है निधि कंपनी, ऐसी कंपनी जो म्यूचुअल बेनिफिट के लिए बनी है, किसके लिए बनी है? म्यूचुअल बेनिफिट, जो म्यूचुअल बेनिफिट के लिए बनी उसको निधि कंपनी बोलते हैं। सर मतलब बहुत ही आसान सा फंड है, ठीक है, आपकी किटी पार्टी होती है वैसे। सो बेसिकली निधि कंपनी व्हाट दे डू, ऐसे बहुत बड़ा क्लास है, ऐसा बहुत बड़ा क्लास है जिनको बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पैसा देने वाले नहीं है, तो फिर उनके उनको पैसे कैसे मिलेंगे? तो फिर निधि कंपनी इज देयर फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। हर महीने लोग हजार हजार रुपये जमा कर रहे हैं, 1 लाख रुपये जमा हो जाते हैं, 100 लोग अगर है तो, 100 लोग है तो 1 लाख रुपये जमा हो जाते हैं। फिर या तो लकी ड्रॉ निकलेगा, लकी ड्रॉ से जिसका नंबर लगेगा उसको पैसे मिल जाएंगे, ऐसा हो सकता है, या फिर बिडिंग करनी पड़ती है, 1 लाख में से कौन कितना सैक्रिफाइस करने को तैयार है। एक बोलता है मैं 5,000 सैक्रिफाइस करने को तैयार हूँ, एक बोलता है 10, एक बोलता है 15, उसमें लिमिट होती है। जो सबसे ज़्यादा सैक्रिफाइस करेगा उसको पैसे मिल जाते हैं, मतलब उसको उतनी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, और वो 1 लाख रुपए के आसपास मिल जाते हैं, वो डाउन पेमेंट करता है, गाड़ी लेता है, ओला उबर शुरू कर देता है, एटलीस्ट एक बंदा तो जॉब पे लग गया, 1,000 रुपए से किसी का जॉब नहीं लग रहा था, लेकिन 1 लाख रुपए आए तो उसका जॉब तो लग गया। तो बहुत ही सिंपल म्यूचुअल बेनिफिट कंपनीज है। अगर ये काम स्टेट एक्ट के अंदर होता है तो उसको चिटफंड बोलते हैं, सेम चीज, इफ इट हैपन्स अंडर स्टेट एक्ट, स्टेट के लॉज, और अगर ये कंपनीज एक्ट के अंदर होता है तो उसको क्या बोलते हैं? निधि कंपनीज। अच्छा कॉन्सेप्ट है,
म्यूचुअल बेनिफिट, म्यूचुअल फाइनेंसिंग का बहुत अच्छा है, जो सबसे ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए अच्छी बात है, लेकिन अक्सर ये कंपनीज पैसे लेके भाग जाती हैं। इसलिए निधि कंपनी के रूल्स हैं, निधि कंपनी में ऐसा लिखा है रूल्स में कि ओन फंड टू आउटसाइड फंड, ओन फंड टू आउटसाइड फंड, कंपनी बनाने के लिए जितना पैसा लाया और स्कीम्स में जितना पैसा उठाया उसका जो रेशियो है, देखो जिसने कंपनी बनाई वो खुद का पैसा भी डालता है और बाहर से स्कीम्स में पैसा भी आ रहा है। ओन फंड टू आउटसाइड फंड रेशियो शुड नॉट एक्सीड 1:20। जिसने कंपनी बनाई है उसके ओन फंड्स, नेट ओन फंड्स, और बाहर वाले से जो पैसे आए हैं स्कीम्स में वो पैसे, रेशियो शुड नॉट एक्सीड 1:20। अगर क्रॉस हो गया तो रिपोर्ट करना पड़ेगा। रेशियो कितना वो रिपोर्ट नहीं करना पड़ता, 1:20 क्रॉस हो गया ये रिपोर्ट करना पड़ता है भाई, 1:20 इज क्रॉस्ड। दूसरा, निधि कंपनी में ऐसा लिखा हुआ है जितना पैसा निधि कंपनी को मिलता है उसका 10% मेंटेन करना पड़ता है, जितना पैसा मिला उसका 10% मेंटेन करना पड़ता है एज अनएनकम्बर्ड, अनएनकम्बर्ड मतलब विदाउट एनी चार्ज, अनएनकम्बर्ड विदाउट एनी चार्ज एफडी बना के रखनी पड़ती है। ठीक है, यू हैव टू मेक एफडी इन कमर्शियल बैंक्स अदर देन कोऑपरेटिव बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। जितना भी पैसा मिल रहा है उसका 10%, उसका 10% एफडी बना के रखना है कमर्शियल बैंक्स में, रीजनल रूरल बैंक, कमर्शियल बैंक्स अदर देन कोऑपरेटिव और रीजनल रूरल बैंक। देखो इसको ऐसे इंटरप्रिट करना है, यहां पे कॉमा है, कमर्शियल बैंक में जाओ किसके पास नहीं आ सकते, कोऑपरेटिव और आरआरबी के पास नहीं आ सकते, वो पहली अनस्टेबल है, तुम उनके पास जा रहे पैसे डूब जाओगे, तुम भी अनस्टेबल हो जाओगे। या फिर किसके पास जाओ, पोस्ट ऑफिस के पास, बात समझिए सब। अब इसमें और एक चीज लिखी है, ये आपको कहीं और काम आ सकती है। सपोज अपने को 100, वी गॉट 100 लैक्स, तो एफडी बना के रखनी पड़ेगी कितने की, 10 लैक्स, टू मेंटेन लिक्विडिटी बेसिकली, कि भाई हमें हमेशा तुम्हारे पास में कौन सा पैसा होना चाहिए, लिक्विड पैसा। तो वहां पे अब उन्होंने बोला हुआ अगस्त के महीने में तुम जो एफडी बनाओगे, अगस्त के पूरे महीने में, 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त, तुम जो क्या मेंटेन करोगे, एफडी, दैट विल डिपेंड ऑन फर्स्ट प्रीसीडिंग मंथ पे जाओ, कौन है फर्स्ट प्रीसीडिंग मंथ, कौन सा है जुलाई, सेकंड प्रीसीडिंग मंथ कौन सा है जून, उसका लास्ट वर्किंग डे सपोज क्या है 30 जून, सपोज 30 जून है, उस दिन जो तुमको पैसे मिले थे उसका 10% तुम अगस्त में मेंटेन करोगे। बीच में मतलब 1 महीने का टाइम मिलेगा अरेंजमेंट्स करने में, टाइम लगेगा 1 महीने का, समझ रहे क्या। वंस अगेन, अगस्त के महीने में जो तुमको एफडी मेंटेन करना है, ठीक है, दैट विल डिपेंड ऑन सेकेंड प्रिसीडिंग मंथ के आखिरी वर्किंग डे में कितना पैसा मिला था, कितना पैसा आउटस्टैंडिंग था, उस पर डिपेंड करेगा। ऐसा जानबूझकर किया है ताकि निधि कंपनी को बीच में 1 महीने का टाइम लैग मिले फॉर मेकिंग अरेंजमेंट्स, इट्स अ कॉमन सेंस, समझा क्या भाई। चल भाव को गए, फिर उसके बाद में रेजिन्स, रिलेटेड पार्टी, कमेंट करना पड़ता है हमको कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के प्रॉपर अप्रूवल्स हुए क्या, प्रॉपर अप्रूवल्स, अप्रूवल्स हुए क्या, अप्रूव होने के बाद में उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग और डिस्क्लोजर हुआ क्या। यही तो बात होती है, अप्रूवल्स, रिकॉर्ड कीपिंग और डिस्क्लोजर्स, बराबर अप्रूवल्स हुए, रिकॉर्ड कीपिंग, डिस्क्लोजर्स हुए, वो देखना पड़ता है। तो रिलेटेड पार्टी के ट्रांजेक्शन अगर अप्रूवल बराबर नहीं है, अप्रूवल बराबर नहीं है, डिस्क्लोजर बराबर नहीं है, तो रिपोर्ट करना पड़ेगा रीजन्स में। दिस पॉइंट क्लियर नाउ। रीजन्स के नीचे क्या था, पाइनएपल, दैट इज फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। आईपीओ से पैसा उठाओगे तो कहां जाएगा, इंफोसिस में। आईपीओ एफपीओ से पैसा उठाओगे तो कहां जाओगे, इंफोसिस में, करेक्ट। और अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट से पैसा उठाओगे तो यहां पर सेम चीज करनी है, वहां पर भी था, वेदर मनी इज यूज फॉर प्रॉपर पर्पज, आईपीओ एफपीओ टर्म लोन प्रॉपर पर्पज, यहां पर भी सेम है, वेदर मनी इज यूज फॉर प्रॉपर पर्पज। एक और चीज है, प्राइवेट प्लेसमेंट सेक्शन 40 लगता है कंपनीज एक्ट का, जो आपका ऑफर है वो 200 लोगों के ऊपर होना नहीं चाहिए, करेक्ट। पहले सारे ऑफर बंद होने चाहिए, 200 लोगों के ऊपर नहीं होना चाहिए, कुछ कंडीशंस और है, इतनी इंपॉर्ट नहीं है, इंटर के लिए इंपॉर्ट है, तो वो भी फुलफिल हुई क्या। दो बातें कमेंट करनी पड़ती है, वेदर मनी यूज फॉर प्रॉपर पर्पज एंड वेदर सेक्शन रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 40 इज फुलफिल्ड, 42 सॉरी 42 42 नॉट 40, बहुत हो गए। नाउ अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, पाइनएप्पल के नीचे क्या था साहब, नट्स, इसको भी इंपॉर्ट मार्क कर लो, इसका एक क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक में है जो मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट स्टेज पे पहुंच रहा है वो। नॉन कैश ट्रांजैक्शन मतलब बार्टर, नॉन कैश मतलब बार्टर।
सेक्शन 192, इसमें सिंपली इतना रिपोर्ट करना है क्या कंपनी ने सेक्शन 192 का कंप्लायंस किया क्या? क्या बोलता है 192? अगर नॉन कैश ट्रांजैक्शन है डायरेक्टर या उसके रिश्तेदारों के साथ में, तो पहले आपने रेजोल्यूशन पास करवाना चाहिए। फर्स्ट यू शुड गेट इट अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर्स, गेट अप्रूव्ड बाय दी शेयर होल्डर्स। और अगर होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर है, किसका डायरेक्टर है? होल्डिंग कंपनी, तो होल्डिंग कंपनी में भी रेजोल्यूशन लगेगा, और जिस कंपनी में सब्सिडरी में ट्रांजैक्शन हो रहा है उसमें भी रेजोल्यूशन लगेगा। समझ रहे क्या आप? ट्रांजैक्शन कहां पे हो रहा है? सब्सिडरी, तो सब्सिडरी में तो रेजोल्यूशन लगेगा ही, ऊपर से होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को भी, होल्डिंग कंपनी भी लगेगा। देखो क्या लिखा है, डायरेक्टर ऑफ सी मतलब कंपनी, डायरेक्टर ऑफ कंपनी, उसकी होल्डिंग, उसकी सब्सिडरी, एसोसिएट, ये सारे डायरेक्टर्स और या फिर कोई भी ऐसे लोग जो इनसे कनेक्टेड हो, ऐसे लोग अगर नॉन कैश ट्रांजैक्शन करते हैं किसी भी कंपनी के साथ में, ठीक है, मतलब कुछ एसेट्स वो अक्वायर कर रहे हैं, बदले में कुछ एसेट्स दे रहे हैं, तो पहले शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लगेगा, और अगर होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर है तो कंपनी में भी लगेगा और होल्डिंग कंपनी में भी रेजोल्यूशन लगेगा। बात समझ रहे हैं सब? तो क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है कि डायरेक्टर का बेटा है और उसके साथ में नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, तो फिर क्या करेगा? भैया अप्रूवल लो, नहीं तो रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। बात समझ रहे? आखिरी में क्लॉज 16, क्लॉज 16, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर कोई कंपनी एनबीएफसी है, क्या है साहब? एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, तो क्या उन्होंने आरबीआई से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लिया कि नहीं लिया, वो बताना पड़ेगा। वेदर दे हैव टेकन प्रॉपर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम आरबीआई। इस पॉइंट क्लियर भाई? अगर ले लिया तो बोले यस ले लिया, नहीं तो बोलो नहीं लिया। अप्लाई किया तो लिखो अप्लाई किया, इन प्रोसेस में है, वो आपको बताना पड़ेगा। न्यूमरिकल अभी इसको हम लोग, ठीक है, यही पे डिस्कस करते हैं, एनबीएफसी में डिस्कस कर सकते हैं। कौन से कंपनी को एनबीएफसी बोलते हैं? अगर उसका प्रिंसिपल बिजनेस फाइनेंस का है, व्हाट डू मीन बाय प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ फाइनेंस? मोर देन 50% ऑफ द एसेट शुड बी फ्रॉम फाइनेंस एंड मोर देन 50% इनकम शुड बी फ्रॉम फाइनेंस, तो उसको एनबीएफसी बोलते हैं। तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ, वहाँ पे खुद ही अपने मन से ड्राफ्ट किया है। वहाँ पे टोटल एसेट्स में से फाइनेंशियल एसेट्स अलग किए, इनकम में से फाइनेंशियल इनकम अलग की, परसेंटेज निकाला, अगर दोनों 50% के ऊपर है तो इट इज अ, मतलब इसका प्रिंसिपल बिजनेस क्या है? फाइनेंस, मतलब ये क्या हो गया? एनबीएफसी, मतलब उसको क्या लेना चाहिए? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, किससे? आरबीआई से। ठीक है, चलिए फटाफट इसको रिकॉर्ड करेंगे। चलिए 1 2 3 स्टार्ट। हम लोगों ने अभी, चलिए सब रिवाइज करिए वापस, कारो देखा, इट कैन कम फॉर 4 to 6 मार्क्स, ठीक है, 4 से 6 मार्क के लिए आ सकता है। कारों में सबसे पहले हम देखा ओरिजिन अंडर 143(11) इशू करना पड़ता है, पहले आपको परमिशन कंसल्ट करना चाहिए किससे? एनएफआरए से। तो हम लोगों ने उसका इंट्रोडक्शन देखा, और उसमें दो ही कारों के अंदर दो ही चीज़ें, दो पैराग्राफ्स इंपॉर्टेंट है। पैराग्राफ नंबर 1 में एप्लीकेबिलिटी और पैराग्राफ नंबर 3 में आपके क्लॉजेस दिए हुए, ठीक है। बैकग्राउंड के बाद हम आगे बढ़े थे, एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबल टू ऑडिटर्स ऑफ ऑल दी कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी, सबको एप्लीकेबल है, लेकिन फिर एक एक करके एग्जेम्पशन दिया, ठीक है। शॉर्टकट क्या था? आईबी कॉप्स को एग्जेम्पशन दिया है, ठीक है। आई स्टैंड फॉर इंश्योरेंस कंपनी, करेक्ट, इंश्योरेंस कंपनी के ऑर्डर्स को एग्जेम्पशन। बी फॉर बैंकिंग कंपनी, सी फॉर चैरिटी पर्पस कंपनी, पी फॉर प्राइवेट कंपनी, एस फॉर स्मॉल कंपनी। प्राइवेट कंपनी में था ऊपर नीचे, होल्डिंग सब्सिडरी में पब्लिक नहीं होना चाहिए, स्मॉल कंपनी में था ऊपर नीचे, होल्डिंग सब्सिडरी होनी नहीं चाहिए, सेक्शन 8 होनी नहीं चाहिए, गवर्न बाय स्पेशल एक्ट नहीं होना चाहिए, दोनों कम करके पढ़ो। फिर उसके बाद में प्राइवेट कंपनी में लिखा था पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स एज ऑन बैलेंस शीट शुड नॉट एक्सीड 1 करोड़, यहाँ पे लिखा है पेड अप कैपिटल शुड नॉट एक्सीड 50 लाख। फिर प्राइवेट कंपनी था बोरिंग्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शुड नॉट एक्सीड 1 करोड़ ड्यूरिंग द ईयर, यहाँ पे बोरिंग का क्लॉज नहीं है। फिर वहां पे था टोटल रेवेन्यू शुड नॉट एक्सीड 10 करोड़ ड्यूरिंग द ईयर, यहाँ पे टोटल टर्नओवर ऑफ लास्ट ईयर शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़। ये जो लिमिट्स है 10, ये जो लिमिट थी 10 करोड़ और 100 करोड़ तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन ऐसा अभी तक उन्होंने किया नहीं है। फिर यहां से हम आगे बढ़े, इसमें कुछ खास केस थे। पहले ओवरऑल एप्लीकेबिलिटी को लेकर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट रिपोर्ट को कारो लगता नहीं है, वो एक खास बात थी। फिर इंश्योरेंस में कोई खास नहीं, बैंक्स में कुछ खास नहीं, एनबीएफसी को एग्जेम्पशन मिलने वाला नहीं है, सिर्फ बैंक्स को मिलता है, ठीक है। फिर प्राइवेट कंपनी में खास था, अगर आपकी होल्डिंग कंपनी में कौन बैठा है? पब्लिक कंपनी,
होल्डिंग कंपनी कौन बैठा है? पब्लिक कंपनी। दो सिचुएशन हो सकती है, अगर वो इंडिया के अंदर बेस्ड है, डोमेस्टिक कंपनी है, तो इट विल चेंज योर स्टेटस, कंडीशन विल बी ब्रोकन, यू विल नॉट गेट एग्जेम्पशन। लेकिन अगर वो होल्डिंग पब्लिक कंपनी अगर इंडिया के बाहर है, तो आपका स्टेटस बदलने वाला नहीं है, यू विल कंटिन्यू टू गेट एग्जेम्पशन। वो देखा हमने, पहली कंडीशन थी ऊपर नीचे पब्लिक कंपनी नहीं होनी चाहिए, उसका पहला केस देखा। फिर उसके बाद में शेयर कैपिटल में कैलकुलेशन देखा हम लोगों ने, इक्विटी कैपिटल आएगा यस, प्रेफरेंस आएगा यस, सभी तरह के रिजर्व आएंगे यस नो, सारे रिजर्व आएंगे, रिस्ट्रिक्टेड और अनरिस्ट्रिक्टेड, रियलाइज और अनरियलाइज, सभी तरह के रिजर्व आएंगे, कैपिटल आएगा, सभी तरह के रिजर्व आएंगे, कॉल्स इन अरियर्स माइनस होगा यस, शेयर शेयर फॉरफिचर ऐड होगा यस, ये हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने कैपिटल से हम लोग आगे बढ़े लोन, लोन के ऊपर जब बात करते हैं, लोन फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट एंटिटीज से, कहीं से अगर आपने इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप से पैसा लिया है तो वो आने वाला नहीं है। लोन की अगर हम लोगों ने बात की तो अक्रूड इंटरेस्ट नहीं आएगा, कौन सा इंटरेस्ट आएगा? ड्यू इंटरेस्ट आएगा। दोनों लोन आएंगे, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड हो, सारे लोन आपके आने वाले हैं। वो हमने देखा बोरिंग्स के अमाउंट में, फंडेड फैसिलिटी आएंगी कि नॉन फंडेड? ओनली फंडेड, गारंटी और एलसी एलसी है, लिमिट विमिट है, वो लिमिट विमिट कुछ काम की नहीं है। फिर हम लोग लोन के बाद में आगे बढ़े थे आपके आपके टोटल रेवेन्यू पे, क्या उसमें सेल ऑफ गुड्स आएगा? यस, सेल ऑफ सर्विसेज, स्क्रैप सेल्स, उसमें आपके अदर इनकम्स आएंगे। उसमें फिर हमने देखा था स्पेशल इनडायरेक्ट टैक्सेस, इंक्लूसिव मेथड है तो आएंगे, एक्सक्लूसिव है तो नहीं आएंगे, कुछ लिखा नहीं है मेथड के बाद, अज्यूम करना एक्सक्लूसिव मेथड और उसको निकाल देना बाहर, ठीक है, इज दिस पॉइंट क्लियर? फिर यहाँ से हम लोग आगे बढ़े, आपके एग्जेम्पशंस लगभग कवर हो गए, फिर हमने क्लॉजेस शुरू किए। हमने शॉर्टकट देखा साहब, पहले छः क्या थी? वेबसाइट्स, अगले छः क्या थे आपके? कंपनीज, फिर चार क्या थी आपकी? खाने पीने की चीज़ें, ठीक है, क्विकली सिर्फ आप इमेजेस बताएंगे, पहला फ्लिपकार्ट, उसके नीचे इंडियन एयरलाइंस, उसके नीचे लिंक्डइन, बाजू में ऊपर Live.com, उसके नीचे बॉक्स है ड्रॉप बॉक्स, उसके नीचे CNN, पहली कंपनी लोगो SBI, फिर LIC, फिर प्लेन इन्फोसिस, फिर साइलिश फिनोलेक्स केबल, फिर उसके बाद बॉक्स है माइक्रोमैक्स 18, नेटवर्क 18, फिर उसके बाद में खाने पीने है रेजिन, फिर पाइनएप्पल, फिर नट्स, फिर कैरेट। हम लोगों ने सबसे पहले फिक्स एसेट देखा, फिक्स एसेट में हम लोगों ने बोला तीन बातें, फर्स्ट वी हैव टू कमेंट ऑन मेंटेनेंस ऑफ फिक्स एसेट रिकॉर्ड्स, उसके अंदर हमने केस देखा इंक्लूजन, सब कुछ इंक्लूड होना चाहिए, इंक्लूजन का इनफैक्ट जीरो डेप्रिसिएशन भी हो गया तो वो इंक्लूड होना चाहिए। इंक्लूजन के बाद में केस हम लोग देखा लोकेशन का, मूविंग एसेट्स है तो वो लिखो और अलग से फिर रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं मूविंग एसेट का। उसके बाद लोकेशन अगर एम्प्लॉय घर में तो उसका डिजिग्नेशन बताना। तो पहले हम लोगों ने बोला कि मेंटेनेंस के बारे में कमेंट कर, फिर रीजनेबलनेस, कितने साल तक रीजनेबल है? 3 साल तक रीजनेबल मानते हैं, लेकिन 1 साल के ऊपर गए तो रिपोर्ट में लिखना पड़ता है रीजनेबल है बट वंस इन 2 ईयर्स, रीजनेबल है बट वंस इन 3 ईयर्स। उसके बाद में तीसरा कमेंट करना पड़ता है टाइटल डीड्स, क्या टाइटल डीड्स ऑफ विच एसेट्स? इमूवेबल एसेट्स, कंपनी के नाम पर है कि नहीं। उसमें खास बात पड़ी थी अगर चोरी हो गया तो क्या करना, सर्टिफाइड कॉपीज लेना मैनेजमेंट से, FIR लेना और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना। फिक्स एसेट के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं इन्वेंट्री पे, एक ही चीज पे रिपोर्ट करना पड़ता है रीजनेबलनेस ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन। रीजनेबलनेस पे हमने बोला कितना चलता है, सिर्फ 1 साल तक चलता है। इन्वेंट्री के बाद में लोन गिवन टू रिलेटेड पार्टीज, सिर्फ वही लोन जो कवर होते हैं अंडर रजिस्टर मेंटेन अंडर सेक्शन 189। पहला कमेंट करना पड़ता है हमको वेदर इट इज प्री जुडिशियल हार्मफुल, दूसरा कमेंट करना पड़ता है रेगुलरिटी ऑफ रिकवरी, तीसरा कमेंट हमको करना पड़ता है वेदर स्टेप्स ऑफ रिकवरी आर टेकन, वेदर स्टेप्स ऑफ रिकवरी आर टेकन इफ द अमाउंट इज आउटस्टैंडिंग, इफ अमाउंट इज आउटस्टैंडिंग मोर देन 90 डेज, 90 डेज हमको वो उस पर देखना पड़ता है। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे राइट साइड Live.com में लोन अंडर गिवन अंडर 185 186। आज तक सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा है कि भैया आपने लोन दिया है 185 186 विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट, ऑडिटर ने क्या करना चाहिए? तो उन्हें देखना चाहिए कि इंटरेस्ट जो है इट शुड नॉट बी लोअर देन दी गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट का जो ईल्ड है इंटरेस्ट रेट है उससे कम नहीं होना चाहिए। और दूसरा एक बात पड़ी थी अगर आपने डिपॉजिट्स पे करने में डिफॉल्ट किया है तो आप लोन दे नहीं सकते, उस पर था। फिर उसके बाद में था आपका ड्रॉप बॉक्स, सिंपल सा कमेंट करना अगर आपने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है, वेदर कंपनीज कंप्लाइंग विद सेक्शन 73-76 ऑफ कंपनीज एक्ट एंड सेबी एंड RBI रिक्वायरमेंट्स, इफ नॉट करेक्ट, इफ नॉट तो आप बताइए क्या, इफ नॉट तो क्या उन्होंने फॉलो नहीं किया, फिर उनके अगेंस्ट कोई ऑर्डर फॉलो किया, ऑर्डर इशू हुआ है क्या, वो भी फॉलो कर रहे कि नहीं, तो बेसिकली बताना लॉ का कंप्लायंस है कि नहीं, ऑर्डर्स का कंप्लायंस है कि नहीं। फिर उसके बाद में डिपॉजिट के नीचे था आपका CN, दैट इज कॉस्ट रिकॉर्ड्स, प्राइमा फेसी एक ओवरव्यू लेना है कॉस्ट रिकॉर्ड्स का, ओवरव्यू लेके हमको बता, एक प्राइमा फेसी ओवरव्यू लेके हमको ओपिनियन देना है कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स आर प्रॉपरली, वेदर दे आर प्रॉपरली मेड एंड मेंटेन, उसको बराबर बना के मेंटेन किया है कि। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े थे, वेबसाइट्स खत्म, अब आपकी कंपनीज, सब लोग मेरे साथ में जवाब देंगे, कंपनीज थी पहले कौन सा लोगो था? SBI, दैट इज फॉर स्टैचुटरी ड्यूज, कितनी बार रिपोर्ट करनी होती है? 3, नंबर 1 वेदर कंपनीज रेगुलर इन पेइंग स्टैचुटरी ड्यूज,
करेक्ट, सिर्फ कौन से इसको लगेगा, जो पीरियोडिकल पेमेंट्स करते हैं, मतलब कस्टम को लगने वाला नहीं है, लेकिन कस्टम एक्ट में जो रेंट और इंटरेस्ट उसको लगने वाला है। प्रोविडेंट फंड आखिरी में पे करना इज इररेगुलर। एडवांस टैक्स हम पे नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ विंडफॉल गेन, हमको पता नहीं था, दैट इज नॉट अ इररेगुलरिटी। रेगुलरिटी के बाद में कमेंट करना पड़ता है अनडिस्प्यूटेड ड्यूज। अनडिस्प्यूटेड ड्यूज पे हम कमेंट करना पड़ता है इफ अमाउंट इज आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 मंथ्स एज ऑन बैलेंस शीट डेट। काउंटिंग कहां से शुरू करेंगे, वहां से शुरू करेंगे वेयर पेमेंट कैन बी मेड विदाउट इंटरेस्ट और पेनल्टी। तीसरा था डिस्प्यूट, किसको डिस्प्यूट मानते हैं, टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। नोटिस आया, नॉट अ डिस्प्यूट। नोटिस आना डिस्प्यूट नहीं होता। डिमांड ऑर्डर, नॉट अ डिस्प्यूट। क्लैरिफिकेशन, नॉट अ डिस्प्यूट। जब हम बोलेंगे कि हम आपके अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक है, देन दैट विल बिकम अ डिस्प्यूट, तो फिर वो डिस्प्यूट होगा। फिर हम लोग, ठीक है, डिस्प्यूट के क्या डिटेल्स देने पड़ते हैं, रिलायंस का रिपोर्ट सामने दिखना चाहिए, एक्ट का नाम, नेचर ऑफ द डिस्प्यूट, अमाउंट दिखना चाहिए, कौन से साल का दिखना चाहिए, और ठीक है कौन से किसके अगेंस्ट, कौन से फोरम में पेंडिंग है। फिर यहां से हम लोग, अच्छा अमाउंट बताएंगे तो इट शुड इंक्लूड इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी, पूरा इंक्लूड करके, ठीक है। फिर यहां से, ठीक है, स्टैट्यूटरी के बाद में LIC, दैट इज लोन रीपेमेंट। सिर्फ किसके लोन, लोन फ्रॉम गवर्नमेंट, उससे छोटे बैंक्स, उससे छोटे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और उसके छोटे डिबेंचर होल्डर्स। जब लोन की बात करें, सिर्फ किसका डिफॉल्ट, प्रिंसिपल रीपेमेंट का डिफॉल्ट रिपोर्ट करना है। डिबेंचर होल्डर में ड्यूज दोनों हो गए, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। पिछले साल के डिफॉल्ट जो कंटिन्यू हो रहे हैं वो भी बताना है, और इस साल के डिफॉल्ट भी, उसमें बताना है अमाउंट एंड टाइम पीरियड इन्वॉल्व। LIC के नीचे था आपका इन्फोसिस, IPO FPO टर्म लोन का पैसा प्रॉपर पर्पस के लिए यूज किया कि नहीं किया। टर्म लोन मतलब विच इज बियॉन्ड 36 मंथ्स, उसको टर्म लोन बोलते हैं। प्रॉपर पर्पस के लिए यूज किया क्या, वो हमको देखना है। वहां पे अगर कुछ समय के लिए हमने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में डाला है तो एब्सोल्युटली फाइन, चलता है, दैट इज नॉट अ डिफॉल्ट। आपको रिपोर्ट में बताना पड़ेगा कि हमने शॉर्ट टर्म फंड से पैसा डाला है। अगर पैसा 4 साल में यूज करेंगे तो 4 साल तक रिपोर्टिंग होगी। फिर LIC के नीचे हम लोग गए, नहीं इन्फोइस के नीचे हम लोग गए फिनोलेक्स, दैट इज फॉर फ्रॉड्स। दो तरह के फ्रॉड्स है, फ्रॉड्स बाय ऑफिसर एम्प्लॉइज ऑन दी कंपनी, फ्रॉड बाय कंपनी ऑन अदर्स, ठीक है। ये फ्रॉड कोई भी नोटिस करे, कोई भी रिपोर्ट करे, कोई भी नोटिस करे, कोई भी रिपोर्ट करे, उससे फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है, आपको आपकी रिपोर्ट में डालना है। फिर यहां से हम लोग आगे बढ़े फिनोलेक्स केबल के नीचे, माइक्रोमैक्स, चेक कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 197 एंड 198, ठीक है, मैनेजरियल रेमुनरेशन। फिर यहां से हम आगे बढ़े निधि कंपनी, नेटवर्क 18 निधि कंपनी, उसमें हमको रिपोर्ट करना है, नंबर 1, वेदर ओन फंड्स टू आउटसाइड फंड रेशियो इज एक्सीडिंग 1:20 एंड वेदर दे आर मेंटेनिंग 10% एज अनइनकम्बर्ड डिपॉजिट इन कमर्शियल बैंक्स और पोस्ट ऑफिस, उसमें मेंटेन कर रहे क्या। जब हम बोलते हैं कि टाइम लगे 1 महीने का, हमको जो 10% मेंटेन करना है, 10% जो मेंटेन करना है, दैट विल डिपेंड सेकेंड प्रिसीडिंग मंथ के लास्ट डेट पे कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग था। 1 महीने का हमको टाइम गैप मिलता है। नेटवर्क एडिंग के बाद में रीजंस, रिलेटेड पार्टीज के अप्रूवल्स थे क्या, क्या थे साहब अप्रूवल्स, रिलेटेड पार्टीज के प्रॉपर अप्रूवल्स थे क्या, और उसकी अकाउंटिंग डिस्क्लोजर बराबर थे क्या। रीजंस के नीचे क्या था आपका, प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट का पैसा प्रॉपर पर्पस के लिए यूज किया कि नहीं किया, प्लस कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 42, वो हमको देखना पड़ता है। फिर वहां से हम आगे गए, ये इंपॉर्टेंट हमने मार्क भी किया, नट्स, नॉन कैश ट्रांजेक्शन, नॉन कैश ट्रांजेक्शन, नॉन कैश ट्रांजेक्शन हम लोगों ने देखा। तो नॉन कैश ट्रांजेक्शन, अगर डायरेक्टर, डायरेक्टर या उससे रिलेटेड पर्सन ऑफ कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट, इनमें से किसी के भी साथ अगर कंपनी का नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, बार्टर ट्रांजेक्शन है, सम एसेट्स गिवन सम एसेट्स टेकन, तो प्रायर अप्रूवल लगेगा कंपनी में, रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अगर होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर, तो 2 रेजोल्यूशन लगेंगे उस कंपनी में भी और होल्डिंग कंपनी में भी लगेगा। मैंने बोला कि क्वेश्चन बैंक में एक केस है, डायरेक्टर के बेटे के साथ ट्रांजेक्शन है। फिर इसके बाद में अगर NB कैरेट, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर कोई NBFC है तो उसने RBI से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिया कि नहीं लिया। NBFC कब बनता है, जब प्रिंसिपल बिजनेस फाइनेंस का होता है। प्रिंसिपल बिजनेस फाइनेंस का कब होता है, मोर देन 50% ऑफ द एसेट्स आर फाइनेंशियल, मोर देन 50% ऑफ द इनकम इज फाइनेंशियल, तब जाकर, करेक्ट। बंद करेंगे। चलिए 1 2 3 स्टार्ट। हम लोगों ने अभी, चलिए सब रिवाइज करिए वापस, कारो देखा, इट कैन कम फॉर 4 to 6 मार्क्स, ठीक है, 4 से 6 मार्क के लिए आ सकता है। कारों में सबसे पहले हम देखा ओरिजिन अंडर 143 11 इशू करना पड़ता है, पहले आपको परमिश कंसल्ट करना चाहिए किससे, NFRA से। तो हम लोगों ने उसका इंट्रोडक्शन देखा, और उसमें दो ही कारों के अंदर दो ही चीज़ें, दो पैराग्राफ्स इंपॉर्टेंट है। पैराग्राफ नंबर 1 में एप्लीकेबिलिटी है, और पैराग्राफ नंबर 3 में आपके क्लॉजेस दिए हुए, ठीक है। बैकग्राउंड के बाद हम आगे बढ़े थे, एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबल टू ऑडिटर्स ऑफ ऑल दी कंपनी इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी, सबको एप्लीकेबल है। लेकिन फिर एक एक करके एग्जेम्पशन दिया, ठीक है। शॉर्टकट क्या था, आई बी कॉप्स, आई बी कॉप्स, आई बी कॉप्स को एग्जेम्पशन दिया है, ठीक है।
आई स्टैंड फॉर इंश्योरेंस कंपनी, करेक्ट। इंश्योरेंस कंपनी के ऑर्डर्स को एग्जाम्पल, बी फॉर बैंकिंग कंपनी, सी फॉर चैरिटी पर्पस कंपनी, पी फॉर प्राइवेट कंपनी, एस फॉर स्मॉल कंपनी। प्राइवेट कंपनी में था ऊपर नीचे होल्डिंग सब्सिडरी में पब्लिक नहीं होना चाहिए, स्मॉल कंपनी में था ऊपर नीचे होल्डिंग सब्सिडरी होनी नहीं चाहिए, सेक्शन 8 होनी नहीं चाहिए, गवर्न बाय स्पेशल एक्ट नहीं होना चाहिए, दोनों कम बैक पढ़ो। फिर उसके बाद में प्राइवेट कंपनी में लिखा था पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स एज ऑन बैलेंस शीट शुड नॉट एक्सीड 1 करोड़, यहां पे लिखा है पेड अप कैपिटल शुड नॉट एक्सीड 50 लाख। फिर प्राइवेट कंपनी था बोरिंग फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शुड नॉट एक्सीड 1 करोड़ ड्यूरिंग द ईयर, यहां पे बोरिंग का क्लॉज नहीं है। फिर वहां पे था टोटल रेवेन्यू शुड नॉट एक्सीड 10 करोड़ ड्यूरिंग द ईयर, यहां पे टोटल टर्नओवर ऑफ लास्ट ईयर शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़। ये जो लिमिट्स है 10, ये जो लिमिट थी 10 करोड़ और 100 करोड़ तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन ऐसा अभी तक उन्होंने किया नहीं है। फिर यहां से हम आगे बढ़े, इसमें कुछ खास केस थे। पहले ओवरऑल एप्लीकेबिलिटी को लेकर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट रिपोर्ट को कारो लगता नहीं है, वो एक खास बात थी। फिर इंश्योरेंस में कोई खास नहीं, बैंक्स में कुछ खास नहीं, एनबीएफसी को एग्जेम्पशन मिलने वाला नहीं है, सिर्फ बैंक्स को मिलता है, ठीक है। फिर प्राइवेट कंपनी में खास था, अगर आपकी होल्डिंग कंपनी में कौन बैठा है, पब्लिक कंपनी, होल्डिंग कंपनी कौन बैठा है, पब्लिक कंपनी, दो सिचुएशन हो सकती है। अगर वो इंडिया के अंदर बेस्ड है, डोमेस्टिक कंपनी है, तो इट विल चेंज योर स्टेटस, कंडीशन विल बी ब्रोकन, यू विल नॉट गेट एग्जेम्पशन। लेकिन अगर वो होल्डिंग पब्लिक कंपनी अगर इंडिया के बाहर है, तो आपका स्टेटस बदलने वाला नहीं है, यू विल कंटिन्यू टू गेट एग्जेम्पशन। वो देखा हमने, पहली कंडीशन थी ऊपर नीचे पब्लिक कंपनी नहीं होनी चाहिए, उसका पहला केस देखा। फिर उसके बाद में शेयर कैपिटल में कैलकुलेशन देखा हम लोगों ने, इक्विटी कैपिटल आएगा, यस, प्रेफरेंस आएगा, यस, सभी तरह के रिजर्व आएंगे, यस, नो, सारे रिजर्व आएंगे, रिस्ट्रिक्टेड और अनरिस्ट्रिक्टेड, रियलाइज और अनरियलाइज, सभी तरह के रिजर्व आएंगे, कैपिटल आएगा, सभी तरह के रिजर्व आएंगे, कॉल्स इन अरियर्स माइनस होगा, यस, शेयर शेयर फॉरफिचर ऐड होगा, यस, ये हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने कैपिटल से हम लोग आगे बढ़े, लोन, लोन के ऊपर जब बात करते हैं, लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट एंटिटीज से कहीं से अगर आपने इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप से पैसा लिया है, तो वो आने वाला नहीं है। लोन की अगर हम लोगों ने बात की, तो अक्रूड इंटरेस्ट नहीं आएगा, कौन सा इंटरेस्ट आएगा, ड्यू इंटरेस्ट आएगा। दोनों लोन आएंगे, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड हो, सारे लोन आपके आने वाले हैं। वो हमने देखा बोरिंग्स के अमाउंट में। फंडेड फैसिलिटी आएंगी कि नॉन फंडेड, ओनली फंडेड, गारंटी और एलसी एलसी है, लिमिट विमिट है, वो लिमिट विमिट कुछ काम की नहीं है। फिर हम लोग लोन के बाद में आगे बढ़े थे आपके आपके टोटल रेवेन्यू पे, क्या उसमें सेल ऑफ गुड्स आएगा, यस, सेल ऑफ सर्विसेज, स्क्रैप सेल्स, उसमें आपके अदर इनकम आएंगे। उसमें फिर हमने देखा था स्पेशल इनडायरेक्ट टैक्सेस, इंक्लूसिव मेथड है तो आएंगे, एक्सक्लूसिव तो नहीं आएंगे, कुछ लिखा नहीं है मेथड के बाद, अज्यूम करना एक्सक्लूसिव मेथड और उसको निकाल देना बाहर, ठीक है, इज दिस पॉइंट क्लियर। फिर यहां से हम लोग आगे बढ़े, आपके एग्जेम्पशंस लगभग कवर हो गए। फिर हमने क्लॉजेस शुरू किए, हमने शॉर्टकट देखा साहब, पहले 6 क्या थी, वेबसाइट्स, अगले 6 क्या थे आपके, कंपनीज, फिर 4 क्या थी आपकी, खाने पीने की चीजें, ठीक है। क्विकली सिर्फ आप इमेजेस बताएंगे, पहला फ्लिपकार्ट, उसके नीचे इंडियन एयरलाइंस, उसके नीचे लिंक्डइन, बाजू में ऊपर live.com, उसके नीचे बॉक्स है ड्रॉप बॉक्स, उसके नीचे CNN, पहली कंपनी लोगो SBI, फिर LIC, फिर प्लेन इन्फोसिस, फिर साइलिश फिनोलेक्स केबल, फिर उसके बाद बॉक्स है माइक्रोमैक्स 18, नेटवर्क 18, फिर उसके बाद में खाने पीने रेजिन, फिर पाइनएप्पल, फिर नट्स, फिर कैरेट। हम लोगों ने सबसे पहले फिक्स एसेट देखा। फिक्स एसेट में हम लोगों ने बोला 3 बातें, फर्स्ट वी हैव टू कमेंट ऑन मेंटेनेंस ऑफ फिक्स एसेट रिकॉर्ड्स, उसके अंदर हमने केस देखा इंक्लूजन, सब कुछ इंक्लूड होना चाहिए, इंक्लूजन का इनफैक्ट 0 डेप्रिसिएशन भी हो गया तो वो इंक्लूड होना चाहिए। इंक्लूजन के बाद में केस हम लोग देखा लोकेशन का, मूविंग एसेट है तो वो लिखो और अलग से फिर रजिस्टर मेंटेन कर सकते मूविंग एसेट का। उसके बाद लोकेशन, अगर एम्प्लॉय घर में तो उसका डेजिग्नेशन बताना। तो पहले हम लोगों ने बोला कि मेंटेनेंस के बारे में कमेंट कर, फिर रीजनेबलनेस, कितने साल तक रीजनेबल है, 3 साल तक रीजनेबल मानते हैं, लेकिन 1 साल के ऊपर गए तो रिपोर्ट में लिखना पड़ता है रीजनेबल है बट 1 in 2 years, रीजनेबल है बट 1 in 3 years। उसके बाद में तीसरा कमेंट करना पड़ता है टाइटल डीड्स, क्या टाइटल डीड्स ऑफ विच एसेट्स, इमूवेबल एसेट्स कंपनी के नाम पर है कि नहीं। उसमें खास बात पड़ी, अगर चोरी हो गया तो क्या करना, सर्टिफाइड कॉपीज लेना मैनेजमेंट से, FIR लेना और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना। फिक्स एसेट के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं इन्वेंट्री पे, एक ही चीज पे रिपोर्ट करना पड़ता है रीजनेबलनेस ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन। रीजनेबलनेस पे हमने बोला कितना चलता है, सिर्फ 1 साल तक चलता है। इन्वेंट्री के बाद में लोन गिवन रिलेटेड पार्टीज, सिर्फ वही लोन जो कवर होते हैं अंडर रजिस्टर मेंटेन अंडर सेक्शन 189। पहला कमेंट करना पड़ता है हमको वेदर इट इज प्री जुडिशियल हार्मफुल। दूसरा कमेंट करना पड़ता है रेगुलरिटी ऑफ रिकवरी। तीसरा कमेंट हमको करना पड़ता है वेदर स्टेप्स ऑफ रिकवरी आर टेकन, वेदर स्टेप्स ऑफ रिकवरी आर टेकन इफ द अमाउंट इज आउटस्टैंडिंग, इफ अमाउंट इज आउटस्टैंडिंग मोर देन 90 डेज,
90 डेज हमको वो उस पर देखना पड़ता है। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे राइट साइड में live.com में, लोन अंडर गिवन अंडर 185 186। आज तक सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा है कि भैया आपने लोन दिया है 185 186 विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट, ऑडिटर ने क्या करना चाहिए? तो उन्हें देखना चाहिए कि इंटरेस्ट जो है इट शुड नॉट बी लोअर देन दी गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट का जो यील्ड है इंटरेस्ट रेट है उससे कम नहीं होना चाहिए। और दूसरा एक बात पढ़ी थी, अगर आपने डिपॉजिट्स पे करने में डिफॉल्ट किया है तो आप लोन दे नहीं सकते, उस पर था। फिर उसके बाद में था आपका ड्रॉप बॉक्स, सिंपल सा कमेंट करना है अगर आपने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है, वेदर कंपनीज कंप्लाइंग विद सेक्शन 73 to 76 ऑफ कंपनीज एक्ट एंड सेबी एंड आरबीआई रिक्वायरमेंट्स, इफ नॉट करेक्ट, इफ नॉट तो आप बताइए क्या, इफ नॉट तो क्या उन्होंने फॉलो नहीं किया, फिर उनके अगेंस्ट कोई ऑर्डर फॉलो किया, ऑर्डर इशू हुआ है क्या, वो भी फॉलो कर रहे कि नहीं। तो बेसिकली बताना है लॉ का कंप्लायंस है कि नहीं, ऑर्डर्स का कंप्लायंस है कि नहीं। फिर उसके बाद में डिपॉजिट के नीचे था आपका सी एंड रिस्क कॉस्ट रिकॉर्ड्स, प्राइमा फेसी एक ओवरव्यू लेना है कॉस्ट रिकॉर्ड्स का, ओवरव्यू लेके हमको बता एक प्राइमा फेसी ओवरव्यू लेके हमको ओपिनियन देना है कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स आर प्रॉपरली, वेदर दे आर प्रॉपरली मेड एंड मेंटेन, उसको बराबर बना के मेंटेन किया है कि। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े थे, वेबसाइट्स खत्म। अब आपकी कंपनीज, सब लोग मेरे साथ में जवाब देंगे, कंपनीज थी पहले कौन सा लोगो था? SBI, दैट इज फॉर स्टैचुटरी ड्यूज। कितनी बार रिपोर्ट करनी होती है? तीन। नंबर वन, वेदर कंपनीज रेगुलर इन पेइंग स्टैचुटरी ड्यूज, करेक्ट। सिर्फ कौन सी इसको लगेगा? जो पीरियोडिकल पेमेंट्स करते हैं, मतलब कस्टम को लगने वाला नहीं है, लेकिन कस्टम एक्ट में जो रेंट और इंटरेस्ट उसको लगने वाला है। प्रोविडेंट फंड आखिरी में पे करना इज इररेगुलर। एडवांस टैक्स हम पे नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ विंडफॉल गेन, हमको पता नहीं था, दैट इज नॉट अ इररेगुलरिटी। रेगुलरिटी के बाद में कमेंट करना पड़ता है अनडिस्प्यूटेड ड्यूज, अनडिस्प्यूटेड ड्यूज पे हम कमेंट करना पड़ता है इफ अमाउंट इज आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 मंथ्स एज ऑन बैलेंस शीट डेट। काउंटिंग कहां से शुरू करेंगे? वहां से शुरू करेंगे वेयर पेमेंट कैन बी मेड विदाउट इंटरेस्ट और पेनल्टी। तीसरा था डिस्प्यूट, किसको डिस्प्यूट मानते हैं, टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। नोटिस आया, नॉट अ डिस्प्यूट, नोटिस आना डिस्प्यूट नहीं होता। डिमांड ऑर्डर, नॉट अ डिस्प्यूट। क्लैरिफिकेशन, नॉट अ डिस्प्यूट। जब हम बोलेंगे कि हम आपके अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक है, देन दैट विल बिकम अ डिस्प्यूट, तो फिर वो डिस्प्यूट होगा। फिर हम लोग, ठीक है, डिस्प्यूट के क्या डिटेल्स देने पड़ते हैं, रिलायंस का रिपोर्ट सामने दिखना चाहिए, एक्ट का नाम, नेचर ऑफ द डिस्प्यूट, अमाउंट दिखना चाहिए, कौन से साल का दिखना चाहिए, और ठीक है कौन से किसके अगेंस्ट, कौन से फोरम में पेंडिंग है। फिर यहां से हम लोग, अच्छा अमाउंट बताएंगे तो इट शुड इंक्लूड इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी, पूरा इंक्लूड करके, ठीक है। फिर यहां से, ठीक है, स्टैट्यूटरी के बाद में LIC, दैट इज लोन रीपेमेंट। सिर्फ किसके लोन? लोन फ्रॉम गवर्नमेंट, उससे छोटे बैंक्स, उससे छोटे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और उसके छोटे डिबेंचर होल्डर्स। जब लोन की बात करें, सिर्फ किसका डिफॉल्ट? प्रिंसिपल रीपेमेंट का डिफॉल्ट रिपोर्ट करना है, डिबेंचर होल्डर में ड्यूज दोनों हो गए, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। पिछले साल के डिफॉल्ट जो कंटिन्यू हो रहे हैं वो भी बताना है, और इस साल के डिफॉल्ट भी, उसमें बताना है अमाउंट एंड टाइम पीरियड इन्वॉल्व। LIC के नीचे था आपका इंफोसिस, IPO, FPO, टर्म लोन का पैसा प्रॉपर पर्पस के लिए यूज किया कि नहीं किया। टर्म लोन मतलब विच इज बियॉन्ड 36 मंथ्स, उसको टर्म लोन बोलते हैं। प्रॉपर पर्पस के लिए यूज किया क्या वो हमको देखना है। वहां पे अगर कुछ समय के लिए हमने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में डाला है तो एब्सोल्युटली फाइन चलता है, दैट इज नॉट अ डिफॉल्ट। आपको रिपोर्ट में बताना पड़ेगा कि हमने शॉर्ट टर्म फंड से पैसा डाला है। अगर पैसा 4 साल में यूज करेंगे तो 4 साल तक रिपोर्टिंग होगी। फिर LIC के नीचे हम लोग गए, नहीं इन्फोइस के नीचे हम लोग गए फिनोलेक्स, दैट इज फॉर फ्रॉड्स। दो तरह के फ्रॉड्स है, फ्रॉड्स बाय ऑफिसर एम्प्लॉइज ऑन दी कंपनी, फ्रॉड बाय कंपनी ऑन अदर्स, ठीक है। ये फ्रॉड कोई भी नोटिस करे, कोई भी रिपोर्ट करे, कोई भी नोटिस करे, कोई भी रिपोर्ट करे, उससे फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है, आपको आपकी रिपोर्ट में डालना है। फिर यहां से हम लोग आगे बढ़े फिनोलेक्स केबल के नीचे, माइक्रोमैक्स चेक कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 197 एंड 198, ठीक है, मैनेजरियल रेमुनरेशन। फिर यहां से हम आगे बढ़े निधि कंपनी, नेटवर्क 18 निधि कंपनी, उसमें हमको रिपोर्ट करना है। नंबर वन, वेदर ओन फंड्स टू आउटसाइड फंड रेशियो इज एक्सीडिंग 1:20 एंड वेदर दे आर मेंटेनिंग 10% एज अनइनकम्बर्ड डिपॉजिट इन कमर्शियल बैंक्स और पोस्ट ऑफिस, उसमें मेंटेन कर रहे क्या। जब हम बोलते हैं कि टाइम लगे 1 महीने का, हमको जो 10% मेंटेन करना है, 10% जो मेंटेन करना है, दैट विल डिपेंड सेकेंड प्रिसीडिंग मंथ के लास्ट डेट पे कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग था। 1 महीने का हमको टाइम गैप मिलता है। नेटवर्क एटिंग के बाद में रीजन्स, रिलेटेड पार्टीज के अप्रूवल्स थे क्या, क्या थे साहब अप्रूवल्स, रिलेटेड पार्टीज के प्रॉपर अप्रूवल्स थे क्या, और उसकी अकाउंटिंग डिस्क्लोजर बराबर थे क्या। रीजन्स के नीचे क्या था आपका प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट का पैसा प्रॉपर पर्पस के लिए यूज किया कि नहीं किया, प्लस कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 42, वो हमको देखना पड़ता है। फिर वहां से हम आगे गए, ये इंपॉर्टेंट हमने मार्क भी किया, नट्स, नॉन कैश ट्रांजेक्शन, नॉन कैश ट्रांजेक्शन, नॉन कैश ट्रांजेक्शन हम लोगों ने देखा। तो नॉन कैश ट्रांजेक्शन अगर डायरेक्टर, डायरेक्टर या उससे रिलेटेड पर्सन ऑफ कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट इनमें से किसी के भी साथ अगर कंपनी का नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, बार्टर ट्रांजेक्शन है, सम एसेट्स गिवन सम एसेट्स टेकन, तो प्रायर अप्रूवल लगेगा कंपनी में, रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अगर होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर तो 2 रेजोल्यूशन लगेंगे, उस कंपनी में भी और होल्डिंग कंपनी में भी लगेगा,
मैंने बोला कि क्वेश्चन बैंक में एक केस है, डायरेक्टर के बेटे के साथ ट्रांजैक्शन है। फिर इसके बाद में अगर एनबी कैरेट दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर कोई एनबीएफसी है तो उसने आरबीआई से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिया कि नहीं लिया। एनबीएफसी कब बनता है? जब प्रिंसिपल बिजनेस फाइनेंस का होता है। प्रिंसिपल बिजनेस फाइनेंस का कब होता है? मोर देन 50% ऑफ द एसेट्स आर फाइनेंशियल, मोर देन 50% ऑफ द इनकम इज फाइनेंशियल, तब जाकर। करेक्ट, बंद करेंगे।